भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैश्चिकी श्रीमद्भागवतम की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। लक्ष्मी नृसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। तुलसी महारानी की जय। गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरुवृंद की जय। अपने अपने शिक्षा दीक्षा गुरुस की जय। हिज होलीनेस जयपिता गोस्वामी गुरु महाराज की जय। आप ऑनलाइन उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरूभयश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आई थिंक बहुत गैप आ गया है। बहुत आई थिंक एक दो महीने पहले या पता नहीं कब हम लोगों ने एक बार इसी यात्रा के साथ ऑनलाइन में भीष्म स्तुति का पहला पाठ किया था। तो अभी सर ठीक याद भी नहीं है कि क्या क्या कवर हुआ था, बट जहाँ तक मुझे याद है थिंक 10 से 12 श्लोक हमने कंप्लीट किए थे उस चैप्टर के, कैंटो 1 चैप्टर 9 के। तो वहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो संक्षेप में, क्योंकि शायद बहुत सारे जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी भूल गए होंगे क्या क्या हमारी बात हुई थी भीष्म स्तुति के संबंधित, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हुए आज के प्रवचन को आगे ले जाएंगे। हरे कृष्णा। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध ख़त्म होने के बाद जब भगवान द्वारका वापस जाना चाह रहे थे तब उनको कुंती देवी ने रोक लिया। उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अत्यंत दुखी थे कि इतने लोगों की मौत हुई और वो उसका कारण अपने आप को मान रहे थे। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को मनवाने के लिए उनको ले लिया भीष्म देव के पास में ले जाया जाता है। तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म देव बाण की सैया पे लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ और बहुत सारे साधु पुरुषों के साथ, और ऐसा कहा गया है कि इवन राजभवन में जो रानियां थी स्त्रियां वे भी गई थी। और वहां पे भीष्म ने बहुत सुंदर सुंदर इंस्ट्रक्शंस दिए युधिष्ठिर महाराज को, और कैसे देखते ही देखते उत्तरायण का समय पास में आया और कैसे भीष्म देव ने अपने देह को त्याग दिया और कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने अंतकाले प्रयाण समय भगवान कृष्ण की स्तुति की। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भीष्म की देव की गई स्तुति को हम डिटेल में समझें, लेकिन ये चैप्टर भी श्लोक बाय श्लोक कंप्लीट करते हुए हम भीष्म स्तुति तक पहुँचेंगे। तो लास्ट टाइम हमने रोका था इस मोड़ पे कि जहाँ हमने बताया कि कैसे अलग अलग साधु पुरुष आए थे, सबका नाम हमने उच्चारण किया कि कैसे वे सब आए थे और कैसे भीष्म देव ने
अत्यंत प्रेम से सिचुएशन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस सिचुएशन के अनुसार उनका स्वागत किया। वे उठ के तो स्वागत नहीं कर सकते थे, पर अपनी वाणी से, अपनी आँखों से, अपने भाव से जो है उन्होंने सबका स्वागत किया। और कैसे भीष्म देव वन बाय वन बता रहे थे कैसे पांडवों को कितने सारे दुख झेलने पड़े। और एक बहुत सुंदर श्लोक पे हम रुके थे जहाँ पे भीष्म देव कह रहे थे कि जिस तरह के दुख और कष्ट आप लोगों के जीवन में आए थे, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वे मर जाते, लेकिन क्योंकि आपने तीन चीज़ों का आश्रय लिया है, विप्र माने ब्राह्मणों का, अच्युत माने भगवान का, परम पुरुषोत्तम ईश्वर का, और धर्म, क्योंकि आप कभी धर्म के मार्ग से नहीं भटके, आपने कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा, आपने हमेशा ब्राह्मणों की सेवा की और ब्राह्मणों की दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपने जीवन को चलाया, इसीलिए जो है आज आप फाइनली जो है सक्सेसफुल हुए। तो उधर हमने लास्ट टाइम रोका था, तो अब हम फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 13। सो संस्थिते तीर्थे पांडु पृथा बला प्रजावधु युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्त तोकावती मुहु। तो टेक्स्ट नंबर 13 तो यहाँ पे कह रहे हैं, जहाँ तक मेरी पुत्रवधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफ़ी कष्ट उठा रही है। तो यहाँ पे भीष्म देव कह रहे हैं कि मेरी पुत्रवधु जो है कुंती ने कितने कष्ट सहन किए, क्योंकि वे कम उम्र में विधवा हो गई थी, और उसके बाद जब तुम बच्चे लोग जब बड़े हुए तो तुम्हारे कर्म के वजह से भी उसे काफ़ी सहन करना पड़ा। तो उसके बाद में एक नेक्स्ट श्लोक में वो बताते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म की वजह से कुंती देवी को सफ़र करना पड़ा, लेकिन उसके अगर कोई गलत सोचेगा कि अच्छा उसका मतलब क्या युधिष्ठिर महाराज वगैरह ने कुछ पूर्व में पाप किए थे, क्या कर्म किए थे, तो उसका भी फिर वो आंसर बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में। टेक्स्ट नंबर 14। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतं चायद प्रियं सपुलो यद्वसे लोको वायुरीवा घनावली। तो यहाँ पे कहते हैं, मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ पूर्व में पाप किए थे, लेकिन जिस तरह से वायु बादल को ले के चली जाते हैं उस तरह से ये प्रबल काल का प्रभाव है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अब कोई पूछ सकता है कि क्या पांडवों को भी काल डिस्टर्ब कर सकता है क्या, तो उसका वे आंसर देते हैं नेक्स्ट श्लोक में। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाने वृकोदरा कृष्णो स्त्री गांडिवं चापं सुरहित कृष्णा ततो विपत। तो यहाँ पे कह रहे ओ अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता, नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितेशी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती है। तो यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि भाई ये लोग तो कृष्ण के महान भक्त थे, भौतिक दृष्टि से देखें तो भी वे काफ़ी सामर्थ्य थे, उनका बड़ा नाम था, वे शक्तिशाली थे, तो फिर भी उन्हें क्यों समस्या हुई। तो भीष्म देव खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और फिर खुद ही उसका समाधान भी दे रहे हैं। यहाँ पे वे बताते हैं कि क्यों, सी द होल पॉइंट इज़, यूजुअली अगर किसी के जीवन में कुछ
प्रॉब्लम होता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है, या तो उनके पूर्व के कर्म होते हैं। ये जो दोष होता है वो भी तीन प्रकार से, या तो कोई क्षेत्र दोष है, मतलब मत अगर आपकी मदर जैसे कहते हैं कि माता का कोई दोष हो, जैसे उन्होंने अगर कुछ पाप किया है तो वो भी ट्रांसफ़र होता है, या तो कहते हैं बीज दोष, अगर पिता ने कुछ गलत किया है तो वो भी ट्रांसफ़र होता है, या तो आपके खुद के कर्म। लेकिन पांडव के लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पांडव के जो पिताजी थे पांडु, वे तो बहुत पुण्यशाली राजा थे। अच्छा, उनकी जो माता है कुंती देवी, वे भी पुण्यवती स्त्री थी, उन्होंने कोई पाप नहीं किए। अच्छा, पांडु के जो पुत्र थे पांडव पांच, वे भी बहुत पुण्यशाली थे, भगवान के भक्त थे, भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो फिर गलती किसकी है? तो यहाँ पे वे बहुत सुंदर इसका आंसर देंगे कि एक्चुअली गलती किसकी है, क्यों वे पांडवों को इतना सफ़र करना पड़ा। तो वे नेक्स्ट उसमें आंसर देते हैं, नहि अस्या कर्हिचित् राजन् पुमन् वेदा विधिस्सिताम् यद् विजीन सयायुक्ता मुयंती कवयोपिहि। मुयंती कवयोपिहि, कहते हे राजन, श्री भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान की योजना के बारे में भीष्म देव कह रहे हैं कि पांडवों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें दुख सहन करना पड़ा, क्योंकि भगवान की योजना समझना मुश्किल है। भगवान कब किसके लिए क्या प्लान करते हैं, भगवान की योजना समझना मुश्किल है। भगवान की योजना का कोई मैथमेटिक्स नहीं होता, जैसे मैथ्स में एक फिक्स फॉर्मूला होता है, 2+2 4 ही होता है। 2+2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो भी 4 आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो भी 4 आएगा, अगर मैं रात को करूँ तो भी 4 आएगा, सुबह करूँ तो भी 4 आएगा। लेकिन भगवान का कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता, उनकी प्लान कुछ अलग होती है। कभी किसके ऊपर ज़्यादा दया दिखाते हैं तो कभी किसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि जगाई मधाई ने इतने सारे पाप किए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत ही सरलता से क्षमा कर दिया। लेकिन छोटा हरिदास तो चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी था, उनकी सेवा करते थे, उनकी छोटी सी गलती हो गई, वे भिक्षा करने गए थे और माधवी देवी से उन्होंने अन्न की भिक्षा ली थी, बस वो एक सेकेंड के लिए जो उन्होंने स्त्री के साथ में, जो उनके साथ भिक्षा लेते समय जो उनके मन के भाव थे, उसके वजह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं छोटा हरिदास का मुंह नहीं देखना चाहता। और फाइनली जब छोटा हरिदास प्रतीक्षा करता रहा कि शायद चैतन्य महाप्रभु थोड़े दिन गुस्से में है, फिर उनको वापस बुला लेंगे, लेकिन जब उनको वापस नहीं बुलाते तो छोटा हरिदास आत्महत्या कर लेते हैं। और जब ये खबर चैतन्य महाप्रभु तो पहुँचती है तो वो कहते हैं अच्छा हुआ उसने आत्महत्या कर ली। तो जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि भगवान तो चैतन्य महाप्रभु तो और भी दयालु है, कृष्ण से भी दयालु। नमो महावदन्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, महावदन्याय है। फिर छोटा हरिदास की इतनी छोटी सी गलती के लिए उन्होंने क्यों उनको क्षमा नहीं किया? तो भगवान की कैलकुलेशन समझना बहुत मुश्किल है, कब किसको ज़्यादा दया दिखा देते, कभी किसी को बिल्कुल दया नहीं दिखाते, कभी किसी की छोटी गलती में भी उन्हें बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट देते हैं, और कभी किसी से कुछ लेते हैं, कभी किसी को दे देते हैं। जैसे हम देखते हैं बलि महाराज के वृत्तांत में, बलि महाराज असुर के कुल में थे, फिर भी उन्होंने अपनी गुरु की अवज्ञा करके भगवान की सेवा में अपने आप को लगाया, उन्होंने भगवान को जो है अपना सर्वस्व दे दिया और उनका मस्तक भी जो है भगवान के सामने रख दिया। फिर भी भगवान कहते हैं धोखेबाज है, इसने अपना वचन पूरा नहीं किया, बांधो इसको पकड़ो बांधो। तो जब हम ये सुनते तब लगता है कि अरे, मतलब इतना जो उसने सरेंडर किया फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं। तो भगवान का कब क्या कैलकुलेशन होता है हमें समझ में नहीं आता है। ऑफकोर्स अगर बड़ा पिक्चर देखे, द बिगर पिक्चर, तो भगवान ने बलि महाराज को बहुत कुछ दिया, उससे थोड़ा सा लिया लेकिन ज़्यादा दिया। जैसे अगर हम किसी से 20 रुपये की नोट खींच ले
और फिर उसको 2000 की नोट दे, तो हमने उसको धोखा नहीं दिया, तो भगवान ने उससे भौतिक विषय ले लिए, उसके जो वो अलग अलग लोक थे, लेकिन भगवान ने अपने आप को बलि महाराज को दे दिया। बलि महाराज के साथ वे गए रहने के लिए नीचे के लोक में, और बलि महाराज के क्या कहते हैं वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड के जैसे खड़े रह के बलि महाराज की रक्षा करते थे। तो भगवान का कैलकुलेशन समझना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से कभी कभी हम देखते हैं माताएं भी, जैसे दो बच्चे अगर झगड़ रहे हो ना, मतलब उनके दो बच्चे, तो कभी कभी बड़े बच्चे के हाथ से वो टॉय लेके माता छोटे बच्चे को दे देती है, नहीं तुम खेलो। हो सकता है बड़े बल्ती बच्चे की कोई गलती ही नहीं है, शायद छोटा बच्चा ऑलरेडी इसके साथ बहुत देर खेल चुका है, और मतलब क्या कहते हैं अगर न्याय करना है तो एक्चुअली ये खिलौना इसके पास ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी माँ जो ज़्यादा समझदार होता है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहती है। तो ऐसे ही भगवान का अपना ही कैलकुलेशन होता है। कभी किसी को क्या ज़्यादा पनिशमेंट दे देते, कभी किसी को ज़्यादा दया दिखाते हैं, कभी किसी को सो उन जैसे कि एक माँ को दोनों बच्चों के लिए इक्वल प्रेम होता है, तो शायद बाहर से कोई अगर आता है उस कमरे में तो उसे लगेगा कि माता पक्षपात दिखा रही है, किसी एक से खिलौना छीन के किसी और को दे रही है, लेकिन माँ जानती है कब किसको क्या देना है। तो उसी तरह से हम भी देखते जैसे कि बलि महाराज से छीन के भगवान सब कुछ देवताओं को दे देते हैं, बट वे जानते हैं किसको क्या देना है और कब देना है। सो भक्त का लक्षण ये होता है कि भगवान जैसे भी सिचुएशन में डाले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, ये भक्त का लक्षण है। क्योंकि भक्त तीन चीज़ बहुत क्लियरली जानता है कि हर चीज़ भगवान के नियंत्रण में है, और कृष्ण ही भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, और वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तीन चीज़ भक्त जानता है, तो इसलिए भक्त को चिंता नहीं है। भगवान प्यार करते हैं, भगवान सामर्थ्य है मेरी रक्षा करने के लिए, कृष्ण भगवान है, तो बस इसलिए भक्त को चिंता नहीं होती। जो भी सिचुएशन में डाले वो जानते हैं कि भगवान का कोई ना कोई अपनी ही योजना होगी। जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं, वे हर सिचुएशन में अपने सामर्थ्य पर निर्भर होते हैं, लेकिन भक्त जानता है कि भगवान मेरे जीवन के कंट्रोल में है और मेरे जीवन वो उनकी अनुसार चला रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये कहते हैं कि हु नोज़ द प्लान ऑफ द लॉर्ड। भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज और पांडवों से कह रहे हैं कि भगवान की योजना भगवान ही जाने, कि तुम इतने पुण्यशाली राजा हो, इतने अच्छे भले मानुष हो, लेकिन तुम लोगों को इतना कष्ट सहन करना पड़ा क्योंकि भगवान की प्लान जो है वो भगवान जाने। तो भक्तों को भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। एक साधारण डॉक्टर पे भी हम कितना विश्वास करते हैं, उसको पैसा देते हैं कि हमको काटो, 25,000 हाथ में देते हैं कि ये लो चाकू और मेरे पेट काटो, मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम जो कर रहे हो, बेशक जो मुझे पेट में तुम काट रहे हो मुझे दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो पेन हो रहा है मेरे अच्छे के लिए है, तुम मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो। तो एक डॉक्टर पे भी हमें विश्वास है, तो परम पुरुषोत्तम भगवान पे तो हमें ये विश्वास रखना ही चाहिए कि अगर आज जो जीवन में परिस्थिति है वो शायद कष्ट दे रही है, शायद दुख दे रही है, लेकिन इसमें भी भगवान का कुछ कारण है, भगवान की अपनी ही कोई प्लानिंग है। इसीलिए देखिए भागवत में उन भक्तों का नाम है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की प्लानिंग के अनुसार अडैप्ट किया है। इवन दो अगर उस मोमेंट में वो चीज़ गलत लग रही हो, फिर भी उन्होंने भगवान के अनुसार अपने डिज़ायर्स को, अपनी लाइफ को मोल्ड किया है। अगर हम देखें पृथु महाराज की कथा, कैसे पृथु महाराज की कोई गलती नहीं थी, इंद्र उन्हें यज्ञ करने नहीं दे रहा था, फिर भी ठाकुर जी ब्रह्मा जी जब कहते हैं पृथु महाराज को जे तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम मत करो यज्ञ आगे, ऐसा नहीं है कि वे पृथु महाराज चाहते तो कह सकते थे कि आप इंद्र को बोलो ना, वो मुझे तंग कर रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं जाके उसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं। जब उनको कहा गया तो वे अपना यज्ञ रोक देते, हालांकि 99 तक आ गए थे। यूजुअली 99 तक आने के बाद वो एक यज्ञ रोक देना, कोई भी होता उनके प्लेस में तो कहता कि आप इंद्र से कह दो, लेकिन वे रोक देते हैं। आप देखिए
प्रियव्रत महाराज वे गंधमदन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि के कहने पे अच्छा खासी चल रही थी उनकी तपस्या, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि नहीं तुम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें परिपालन करना है, तो भी मान जाते हैं। अपने डिज़ायर को छोड़ के भगवान के डिज़ायर के अनुसार अपने आप को मोल्ड करते हैं। हम देखते हैं अर्जुन को, उसे युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने डिज़ायर को छोड़ के भगवान के डिज़ायर के अनुसार वे अपने जीवन को मोड़ते हैं। हम देखते हैं ध्रुव महाराज को, जब उनके छोटे भाई को मार देते हैं यक्ष, तो वे काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और उनकी इतना वे क्रोधित होते हैं कि उनको लगता है मैं सब यक्षों को मार दूंगा, लेकिन जब उनको स्वयंभू मनु आके कहते नहीं तुम भक्त हो तुम्हें टॉलरेट करना चाहिए माफ़ कर दो, तो रोक देते हैं। तो ये स्पेशलिटी है भक्तों की, जे कितना भी उन्हें लगे कि नहीं मेरी प्लान सुपर है, फिर भी भगवान की प्लान के अनुसार अपना प्लान वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस से हमें उस मोमेंट में लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, आई डोंट वांट टू चेंज, मैं नहीं मानना चाहता, लेकिन फिर भी भगवान पे विश्वास रखना और अपनी इच्छा को मार के भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, ये भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात ये कहते हुए कि भगवान की योजना कौन जाने, यही भीष्म देव पांडवों से कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम चले जाएंगे। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यावस्या भरतार्षभा तस्या तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। तो यहाँ पे कहते हैं अतेव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि ये सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए हो, शासन अध्यक्ष हो, अतेव हे महाराज आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। यहाँ पे फिर से एक सुंदर बात जो यहाँ पे कह रहे हैं, दैवतंत्रम, हे युधिष्ठिर समझ लो कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इसलिए सारी बातों को अब तुम भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। तुम जो है अभी शासन करो, तुम अब राजा हो, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि ये जो सारे असहाय लोग हैं, ये जो सारे नागरिक हैं, उनकी रक्षा करो और तुम जो है धर्म के अनुसार राज्य का पालन करो। तो यहाँ पे बार बार भीष्म की स्तुति में जो है दैवतंत्रम, भगवान की योजना, भगवान की योजना, भगवान का प्लान। बहुत बड़ी सीख है हमारे जीवन में भी। बस ये हमारे जीवन में भी कोई भी परिस्थिति आए, बस हमें ये वर्ड याद रखना चाहिए, दैवतंत्रम। जो भी होता है इस दुनिया में भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। सी एक्चुअली यहाँ पे हमें भी लिटिल बिट स्वतंत्रता भगवान ने दी है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकती है। हमारे जीवन में जो भी होता है इसके दो ही आंसर है, या तो हमने इच्छा की है इसीलिए ऐसा हुआ है, और अगर हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ है, और तीसरा पर्सन कोई है ही नहीं, तीसरे पर्सन में ऐसा कोई सामर्थ्य है ही नहीं कि वो आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकता है या आपको कोई भी तकलीफ दे सकता है या कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। दो ही है बस, या तो आप या तो भगवान। तो इसीलिए जब कोई भी परिस्थिति या कोई भी चीज़ हमारे जीवन में हमारे इच्छा के अनुसार होती है तो हमें खुश होना चाहिए, और अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है तो हमें और भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है मतलब अब ये भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो ये एक भक्त को मंत्र लाइफ में बस, जे हरि करे से मम हित, जो हरि करते हैं वो मेरे हित के लिए, ये विश्वास भक्त को होना चाहिए। और जब ये विश्वास हम रखते हैं तो भक्ति जीवन आनंदमय हो जाता है। ठीक, गुजराती में एक भजन है, उसमें कहते हैं चित तू सिधनी चिंता करे कृष्ण ए करऊ ते करे। अपने मन से बात कर रहे हैं कि बाबा इतनी चिंता किस लिए कर रहे हो, क्या
तुम चिंता करने से तुम जैसे चाहते हो वैसे हो जाएगा क्या? नहीं, कृष्ण करू हो ते करे, कृष्ण जो करना चाहते वही करने वाले हैं। तुम शांत हो जाओ और भगवान तुम्हारे श्रेय अभिलाषी है, वो तुम्हारे हितेशी है, जो करेंगे तुम्हारे अच्छे के लिए करेंगे। तो और जब जीवन में कुछ कष्ट आते भी है, वे कष्ट स्पीड ब्रेकर्स जैसे है, जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना रोड में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो क्या स्पीड ब्रेकर्स गाड़ियों को ख़राब करने के लिए दिया जाता है कि आप स्पीड ब्रेकर पे जाओगे फिर आपकी गाड़ी का साइलेंसर ख़राब हो जाएगा? क्या आपको कष्ट देने के लिए होता है? नहीं, स्पीड ब्रेकर इसीलिए होता है कि अगर आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो तो स्पीड ब्रेकर आएगा तो आप थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, आप अलर्ट हो जाओगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो आपकी सहायता के लिए दिया गया है कि आप अलर्ट हो जाओ, नहीं तो पूरे रोड में अगर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा तो कोई सो जाएगा। तो उसी तरह से अगर जीवन में जो भी विपरीत परिस्थिति आती है हमारे जीवन के स्पीड ब्रेकर्स है, जहाँ पे हम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ भैया ये जीवन जो है वो अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, ये जगह हमारी परमानेंट नहीं है, हमें भगवत धाम जाना है। अगर कोई स्पीड ब्रेकर्स जीवन में नहीं आएंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे और ये भौतिक जगत अच्छा लगने लगेगा और लगेगा यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही है, फिर भगवत धाम जाए क्यों, भक्ति करे क्यों, यहाँ भी अच्छा ही लग रहा है। लेकिन जब ये स्पीड ब्रेकर्स ये डिस्टर्बेंसेस आती है तब हमें बार बार याद कराती है कि आपकी जगह नहीं है, आप कहीं और आए हो, आपको घर वापस जाना है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से कह रहे हैं कि दैव तंत्रम, इतना तुम्हारी गलती है ना कोई तुम्हारे कर्म की, किसी की भी गलती नहीं, ये भगवान के प्लानिंग के अनुसार हुआ है। ठीक है, जो हुआ है हुआ है, अब तुम आगे बढ़ो और न्याय करो, अच्छे से धर्म से परिपालन करो। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। एसवै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणा पुमान मोहयन् मायया लोकां गुडश्चरति वृष्णिषु। तो बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे भगवान भीष्मदेव कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशज में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसुर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहते हैं भीष्मदेव कि ये जो भगवान है कृष्ण, ये ही आदि नारायण है और हमें ये भ्रम में डाल रहे हैं, हमें ये मोह में डाल रहे हैं, क्योंकि वृष्णि के कुल में वे साधारण मनुष्य के जैसे ही हमारे साथ में घूम फिर रहे हैं, लेकिन ये ही साक्षात भगवान है। तो अभी जैसे उन्होंने बताया कि भगवान की प्लान समझना मुश्किल है, जो है तुम अभी भूल जाओ, अभी तुम परिपालन करो। और फिर यहाँ फिर से भीष्मदेव कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना वृष्णि कुल में, यही साक्षात नारायण है, यही साक्षात भगवान है और ये हमें ब्रह्म में डालते हैं। क्योंकि शायद कोई उन्हें पूछ सकता है कि आप अभी अभी कह रहे थे ना कि भगवान का प्लान समझना मुश्किल है, तो ये तो सामने खड़े हैं तो पूछ लो उनसे, उनका प्लान वो समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्लैरिफाई कर रहे भीष्मदेव कि नहीं समझाएंगे, उनका प्लान वो नहीं समझाएंगे, वो तो उल्टा हमें ब्रह्म में डाल देते हैं, साधारण मनुष्य के जैसे हमारे साथ में घुल मिल जाते हैं, वृष्णि कुल में वे ऐसे घुल मिल गए हैं किसी को पता ही नहीं चलने देते हैं कि वे भगवान है, तो हमें ब्रह्म में डाल देते हैं, हमें मोह में डाल देते हैं। तो ये तो सच है, भगवान शिव को मोह में डाल दिया तभी तो जाके मोहिनी लीला हो गई, और इंद्र को मोह में डाल दिया तो गोवर्धन लीला हो गई, ब्रह्मदेव को मोह में डाल दिया तो ब्रह्म विमोहन लीला हो गई। तो जब बड़े बड़े लोग ही भगवान के इस मोह में विस्मित हो जाते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा उनका प्लान? बस वे साधारण मनुष्य के जैसे हमारे वहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान है। इस लोक एक्चुअली प्रचार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
कोई ना कोई पूछते रहता है कि यू नो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि भागवत में भीष्म देव कितनी क्लियरली बता रहे कि यही है साक्षात नारायण भगवान जो यहाँ आपके सामने खड़े हैं, जिनका वृष्णिकुल में जन्म हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये श्लोक पढ़ते पढ़ते एक बात मन में आई कि यहाँ पे भीष्म देव कुंती देवी के दुख के बारे में बात करते हैं, पांडव के दुख के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे जो अभी दुखी पड़े हुए हैं बाण की शैया में, वे उनके बारे में बात नहीं कर रहे। मतलब ये भक्तों का ये जो लक्षण है ना, पर दुखे दुखी, मतलब उनको दूसरों का ही दुख दिखाई दे रहा है। कुंती दुखी है, ये लोग दुखी है, अब जाके इनको राहत मिली है, लेकिन उन्होंने जो इतना दुख सहन किया, इतनी कठिन प्रतिज्ञाएं ली, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, कितने कष्ट उन्हें भी भुगतने पड़े, और अंतकाल में भी जो बाण की सैया में लेटे हुए हैं उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं है। बस केवल भगवान को आगे चल के भी श्लोक में धन्यवाद कहते जाएंगे और धन्यवाद कहते जाएंगे। और यही एक विशिष्ट भक्त जो होते हैं ना, स्पेशल डिवोटीज के लक्षण है, जिनको भगवान के लिए कोई फरियाद कभी होती ही नहीं है, उनको सिर्फ भगवान के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो जब बस भगवान से वो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, थैंक यू कृष्णा, उसके सिवाय वे कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो ये एक रियल डिवोटी। इनफैक्ट मैं हमेशा मेरे क्लासेस में कहते रहती हूँ कि बच्चों को भी बचपन से भगवान को थैंक यू कहना सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी कभी जैसे हम देखते हैं बच्चों को, अगर क्लास में अच्छे रैंक्स भी आए, सेकंड रैंक थर्ड रैंक, तो भी हम कहते भगवान से मांगो, सेकंड रैंक नहीं फर्स्ट रैंक आना चाहिए, बस मांगो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भैया जो सेकंड रैंक आया है उसके लिए भगवान को थैंक यू कहो। तो ये आदत अगर बचपन से नहीं होती है तो आगे चल के भी कितना भी मिलता है संतोष नहीं होता है, क्योंकि बचपन में सिखाया गया है कि सेकंड रैंक नहीं फर्स्ट आना है। तो आगे चल के भी जब बड़े होते तब लगता है कि एक गाड़ी नहीं दो गाड़ी चाहिए, ये नहीं इतना होना चाहिए, लेकिन जितना भगवान ने दिया है। एक्चुअली भक्त का तो मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे सामर्थ्य से ज़्यादा दिया है, आई डोंट डिज़र्व दिस, कृष्णा हैज़ गिवन मी मोर देन आई डिज़र्व, मुझे जितना देना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया एक्चुअली मुझे कृष्णा ने। तो ये भाव में होते भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और हमें भी उस लेवल में आने की कोशिश करना है जहाँ पर हम सतत भगवान को थैंक यू कह सके और इस भावना में रह सके कि मेरे सामर्थ्य से ज़्यादा दिया है, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, उससे आपने कई कई ज़्यादा दिया है, मुझे तो इतना भी नहीं मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे खुद इतने सफ़र कर रहे हैं लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है। और ये छोटी सफरिंग नहीं है भानों की शैया में लेटना, हमें छोटा सा भी कुकिंग करते करते चाकू लग जाता है तो कितना पेनफुल लगता है, जब चाकू लगता है थोड़ा सा भी ब्लड निकलता है तो, और इमेजिन करिए किसी को हंड्रेड्स ऑफ बाण शरीर के हर एक लिम में आपको नुकीले बाण यू नो चुभ रहे हैं, और फिर भी आप उस टाइम पे भगवान को थैंक यू भगवान बोल सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। आशयानुभवं भगवान वेद गुह्यतमं शिवा देवाशी नारदा साक्षात भगवान कपिलो नृपा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है किसी को, अच्छा आप कहते हो भगवान का प्लान समझ में नहीं आएगा, आप कहते हो भगवान तो हमें ब्रह्म में डाल देते हैं, तो अरे बाबा भगवान का प्लान फिर किसको आता है समझ में, कोई एड्रेस दे दो जहाँ पे जाके हम भगवान का प्लान समझ सकते या सकते हैं या भगवान के बारे में हम जान सकते हैं परिपूर्ण रूप से। क्यों आप तो कहते हो भगवान मिस्टीरियस है, मतलब साधारण मनुष्य के जैसे हम लोगों में घुल मिल जाते हैं, तो कौन जानता है भगवान को परिपूर्ण रूप से। तो यहाँ पे भीष्म देव एड्रेस दे देते हैं, कौन जानता है, यहाँ पे वे एड्रेस दे रहे हैं कि कौन कौन भगवान को जानता है। वे कहते हैं हे राजन, शिव देवर्षि नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। अब ये महाजन के नाम कह रहे हैं वन बाय वन, नारद मुनि जानते हैं, कपिल मुनि जानते हैं, कौन कौन। एक्चुअली 12 महाजन में भीष्म जी का भी नाम है, लेकिन वे अपने आप का नाम नहीं कहते कि हाँ मैं भी जानता हूँ भगवान के बारे में परिपूर्ण ज्ञान। वे कितनी विनयी है, वे दूसरों का नाम कहते हैं कि वे जानते हैं वो जानते हैं भगवान के बारे में परिपूर्ण रूप से जानते हैं। ये भी बहुत अच्छी
सीखने वाली बात है, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वे कुछ नहीं जानते और उसके बारे में वे ज्ञान है कि हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो ऐसे लोग हार्मफुल नहीं होते हैं क्योंकि वे खुद जानते हैं कि वे नहीं जानते हैं, इसलिए वे सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे जानते ही नहीं कि उनको नहीं पता है कुछ, उनको नहीं आता है, वो सोचते हैं कि हमें सब आता है, तो ऐसे लोगों का प्रोग्रेस रुक जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो सब आता है, हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोग्रेस नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते लेकिन फिर भी जानने का दंभ करते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं भली भांति कि वे कुछ नहीं जानते फिर भी उसका दंभ करते हैं। भक्ति जीवन में सबसे बड़ा समस्या तो दंभ ही है, बाकी असली एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति जीवन काफ़ी सरल है। करना क्या है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवान के बारे में सुनना है, श्रवण करना है, भक्तों का संग लेना है, प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद ग्रहण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है, भगवान का नाम लेने में तकलीफ नहीं होती है, कथा सुनने में तो आनंद आता है, भक्तों के संग में तो और आनंद आता है। तो समस्या कहाँ आती है, समस्या यही आती है जब हमारे जीवन में दंभ घुस जाता है, कि जब हमारे जीवन में दंभ घुस जाता है और अगर हम दूसरों को ये कन्विंस करने में हमारे समय को नष्ट करते हैं कि प्लीज़ आप बिलीव करिए कि मैं बहुत अच्छी भक्त हूँ, तो यही समस्या आ जाती है। उससे आधा समय अगर हम उसमें खर्च करें अच्छे भक्त बनने में, तो शायद हम एक दिन विशुद्ध भक्त बन जाएंगे, लेकिन उससे डबल टाइम हम ये समय इसमें खर्च करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हाँ मैं अच्छा भक्त हूँ। तो दंभ जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भक्ति जीवन में। तो यहाँ पे ये भीष्मदेव काफ़ी सरल है और ये दूसरों का नाम कहते हैं कि ये जानता है, वो जानता है, ये भी जानता है, और भगवान के बारे में परिपूर्ण रूप से। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। यम मन्यसे मातुलेयां प्रियं मित्रं सुहृत्तमां अकारो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारहे सारथिम। अब यहाँ पे कहते हैं, हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जिसको अपना मंत्री मानते हो, जिसको अपना दूत मान रहे हो, जिसको अपना ममेरा भाई मानते हो, अपना शुभचिंतक, अपना हितेशी, वे साक्षात भगवान है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कि ठाकुर जी जो है, मतलब आउट ऑफ इग्नोरेंस यहाँ पे लिखा है कि अज्ञानतावश तुम ऐसा मान रहे हो लेकिन वे साक्षात भगवान है। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली भीष्म बता रहे हैं कि कितनी अलग अलग रूपों में, अलग अलग भावों में भगवान कृष्ण ने पांडवों को प्रेम दिया, कितनी सेवा की, कभी उनके ममेरे भाई, तो कभी उनके लिए राजदूत बन गए, दुर्योधन को समझाने चले गए, तो कभी पार्थ सारथी बन गए रथ के, तो कभी कुछ, कभी उनके साथ खाते पीते बैठते, कभी उनके साथ शिकार पे जाते, तो कितना भगवान जो है उनको प्रेम दिए है। तो ऑफकोर्स ठाकुर जी की यही विशेषता है कि वे अपने भक्तों के साथ परस्पर संबंध चाहते हैं, वे कोई ना कोई रूप में अपने भक्तों को सेवा करना चाहते हैं, भक्तों से सेवा लेना नहीं, भक्तों को सेवा देना भी चाहते हैं, और किसी न किसी रूप से वो उनके साथ में कनेक्टेड होना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कैसे एक बार ठाकुर जी इवन दुर्योधन का मसाज करने चले गए थे। मतलब हुआ था ऐसा कि दुर्योधन का जो नापित था, जो दुर्योधन का जो शेविंग वगैरह जो करते हैं, उसके जो नापित, उसका बार्बर, वो भगवान का अच्छा भक्त था। तो एक दिन वो बस कीर्तन में बैठ गया तो उसको याद ही नहीं आया कि
दुर्योधन का जो टाइम होता है जब जाना पड़ता है शेविंग वगैरह के लिए, तो वो बस कीर्तन में मस्त हो गया। तो ठाकुर जी उसको दुर्योधन की क्रोध से बचाने के लिए खुद उस नापित का रूप धर के दुर्योधन के भवन में चले गए, और दुर्योधन का जो भी है मसाज करना, शेविंग करना, और दुर्योधन उस नापित से कहता है कि पता नहीं आज क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम छू रहे हो तो, मसाज कर रहे हो तो अच्छा तो लगेगा जब भगवान खुद जो है उसकी सेवा कर रहे। तो एक नापित के को बचाने के लिए भगवान खुद, दुर्योधन हालांकि भक्त नहीं था फिर भी उसकी सेवा करने के लिए चले गए। तो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसके साथ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। इनफैक्ट पंडरपुर में भी एक बहुत महान भक्त थी जाना बाई, और ठाकुर जी उसे बहुत प्रेम करते थे, और जाना बाई इतनी सुंदर सुंदर भगवान के भजन गाती थी। हालांकि वो कोई गुरुकुल में नहीं गई थी, कोई शिक्षित नहीं थी, वो नामदेव के घर में काम करती, जैसे काम वाली कहते हैं ना, बस एक काम वाली बाई, जैसे नामदेव के घर में बचपन से थी, घर बार छोड़ के 12 साल की उम्र से नामदेव के यहाँ पे सेवा करती थी। तो रात को जब घर के सारे मेंबर्स सो जाते तो उन दिनों में काम भी काफ़ी रहता था, जैसे चक्की पीसना है, आटा है, या कोई दाल का पाउडर बनाना है, तो बहुत सारी काम रहती थी। तो रात को एकांत में जब घर में सब सो जाते तो वे किचन में कुछ ना कुछ काम करती थी, और ठाकुर जी को उनके भजन, उनके कीर्तन इतने अच्छे लगते थे कि वे आते थे सुनने के लिए। तो कभी कभी जैसे गाती गाती रुक जाएगी, जैसे कुछ लेना है या कुछ करना है, तो ठाकुर जी उसे कहते थे कि मैं तुमको मदद कर दूंगा, तुम बंद मत करो तुम्हारा, तुम जो गाती हो ना, बस मैं सुनना चाहता हूँ, तुम गाती रहो। तो ठाकुर जी उनको मदद करते थे। तो वो जब ऐसे चक्की पीस रही है तो मतलब थोड़ी वो पीसेगी, थोड़ी बार ठाकुर जी पीसेंगे चक्की, कभी कुछ मसाला लाना है, कुछ करना है, तो पूरे किचन में ये मतलब दोनों का एक क्या कहते हैं ना, उसका एक ये इंटरेक्शन हो गया था। बस रोज़ रात होने से ही ठाकुर जी आ जाते थे और जानाबाई की मदद करते थे, और जानाबाई जो है सुंदर सुंदर गीत गाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि देर सुबह तक भगवान रुक गए, और सुबह जब शंख बजा तो भगवान को याद आया, अरे मुझे तो मंगलारती में जाना है, तो भागते हुए गए, तो भगवान का जो उत्तरी था वो जानाबाई के किचन में रह गया, और जानाबाई जो है वो तो काम करते करते वहीं सो गई। और फिर जब मंगलारती में पट खुले, देखा भगवान का उत्तरी जो ब्लैंकेट है सुंदर सा कॉस्टली सिल्क का मिसिंग है, तो सब जगह खोजा तो जानाबाई के पास से मिला। तो जानाबाई को उन्होंने डांटा कि भाई तुमने भगवान की चीज़ चोरी की है। तो जानाबाई समझा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी आते हैं मेरे घर रोज़, वे भूल गए, अब कौन मानेगा उनकी बात, कहते तुम झूठ बोल रही हो, और ठाकुर की चीज़ ली हो तो तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। तो अब जानाबाई को जो है वे बांधे हुए हैं रस्सी से, और उसे खींच के ले जा रहे हैं फांसी की। और उन दिनों में फांसी मतलब वो जो एक वुडन का क्या कहते हैं, एक स्टैंड जैसा होता है, आपको अपना गला रखना है और फिर ऊपर से जो है वे चाकू से जो है आपका गला काट देते हैं। तो अब जानाबाई को जब ले के जाते हैं तो जानाबाई वहाँ भी सुंदर सा गीत गाती है, और ठाकुर जी से कहती है कि ये तो फेयर नहीं है, मैंने क्या बोला था कि आके मुझे घर के काम में मदद करो, तुम आए थे मेरे गले पड़े थे तुम, मैं तो अपना एकांत में गाना गा रही थी, तुम आके मेरे गले पड़ गए, मैं मदद करूँ क्या, मैंने तो आज किस चीज़ का बदला ले रहे हो, मैंने तुम्हें घर का काम करवाया इसलिए मुझसे बदला ले रहे हो। तो ऐसे करके जो ठाकुर जी से मतलब वो गीत में भगवान से बात कर रही है कि मुझे किस चीज़ का बदला ले रहे हो इस तरह से, जो मुझे ये लोग खींच के ले जा रहे हैं, मैंने लिया था क्या तुम्हारा ब्लैंकेट। तो ऐसे वो बात कर रही है भगवान से, गीत गा रही है, और उसे खींच के लेके जा रहे हैं, और फाइनली जगह में जहाँ अब उसका गला काटेंगे वो आ गए। अब फाइनली मतलब उसका सिर भी वहाँ रख दिए है, अब जो है चाकू भी उसके पास आ रहा है, और वो अभी भी भगवान के लिए ही गा रही है कि एक तो गले पड़ के मेरे पास आए हैं और अब मुझे ऐसा करके पनिश कर रहे हो सबके सामने ये। और फाइनली जब चाकू उसके गले तक पहुंच गया तब चाकू जो है वो फूल के रूप में बदल गया, और उसके ऊपर में फूल की वर्षा हो गई। जब फूल की वर्षा हो गई वहाँ जितने भी लोग थे सबको समझ में आ गया जानाबाई कितनी पवित्र है, कितनी महान भक्त है, कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की। तो तब से जानाबाई का जो है सम्मान बढ़ गया, सबको समझ में आ गया कि जानाबाई कितनी महान है। तो अब आप देखिए, अगर इस इंसिडेंट को हम एनालिसिस करें तो एट द आउटसेट लगता है अनफेयर,
ठाकुर जी तो बिल्कुल अनफेयर है, ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं की, कितना अपमान हुआ उनको, उनको ऐसा रस्सी बांध के ले जाया गया, सबने उनको गलत सोचा, उनको बुरा भला कहा, ये तो ठीक नहीं किया ठाकुर जी ने। लेकिन जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं, मतलब आधी पिक्चर देखते हैं, इंटरवल के पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, जब पूरी पिक्चर देखते लगता है कि ओ तो ये था भगवान का प्लान। तो भगवान मन में सोच रहे थे कि अगर ऐसा कुछ नहीं करूँगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि जाना भाई कितनी महान भक्त है। भगवान तो चाहते तो रोज़ आते रहते थे, जाना भाई गाती रहती थी, भगवान चले जाते थे, ये तो सिलसिला चलता रहता था। लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि मेरे भक्त के बारे में सब जाने, इसलिए पूरा ड्रामा जो किए हैं, जो ब्लैंकेट भूल गए हैं, फिर ऐसा होगा। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी हम इंटरवल की पहली की पिक्चर में ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी है, इंटरवल है अभी। अब ठाकुर जी हमेशा अच्छा एंडिंग देते हैं सबकी लाइफ का, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आतुर हो जाते हैं, मतलब हम एकदम पेशेंस नहीं रहती है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने से समझ में आता है कि हाँ, ये था भगवान का बड़ा प्लानिंग हमारे जीवन में। तो यहाँ पे कह रहे हैं इनको कि कैसे भगवान ने अलग अलग रूप में उनकी सेवा की है, कितना प्रेम करते थे भगवान। इनफैक्ट अगर आप देखो भक्त नरसिंह मेहता के जीवन में भी लिखा गया है कि 52 टाइम्स भगवान आए थे उनकी सेवा के लिए, मतलब कभी नरसिंह मेहता का रूप लेके तो कभी कुछ करके उनकी सेवा करने के लिए। अब देखो जयदेव गोस्वामी के जीवन में भगवान खुद आए थे उनकी आधी सी पोयम कंप्लीट करने के लिए। आप देखो तुकाराम के जीवन में कितनी बार भगवान आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो पांडवी नहीं, भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते, नमे भक्त प्रणश्यति, और वे किसी भी रूप में जो है आके अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान वो करना चाहते हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप चाहते हैं अपने भक्तों के साथ, वो एन्जॉय करता है। जब भगवान को भक्त भगवान मानता है तो ठीक है, लेकिन भगवान को ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई भगवान को अपना पुत्र, कोई भगवान को अपना पति, कोई भगवान को अपना सखा, कोई भगवान को अपना बेटा, ऐसा एक रिश्ता जब भगवान के साथ बनाता है, तो फिर उस जो है उनका प्यार एक दूसरे लेवल पे भगवान को आनंद देता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी जो है, आप तो अज्ञानता के वश उनको ये 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 मान रहे हैं, लेकिन वे साक्षात भगवान है, यहाँ पे भीष्म कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। सर्वात्मना समाद्रीशो हि आद्वा यस्य नाहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यां निरावाद्यस्य ना क्वचित्। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है, वे सब पर समान रूप से दयालु है और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतएव वे जो कुछ करते हैं वे भौतिक उन्माद से मुक्त होते हैं, वे समदर्शी है। हाँ, भगवान समदर्शी है, भगवान सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, भगवान किसी की तरफ पक्षपात नहीं दिखाते हैं, और भगवान कोई मिथ्या अहंकार भी नहीं है। आप देखिए राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सबको युधिष्ठिर महाराज ने कुछ ना कुछ सेवा दी थी। जब ठाकुर जी ने पूछा कि मेरी सेवा, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा बस सब तो सेवा तो डिवाइड हो गई। तो भगवान ने कहा कोई नहीं, मैं मेरी सेवा मैं खुद ढूंढ लूँगा। तो फिर ठाकुर जी ने क्या सेवा की, जूते की स्टैंड की सेवा, जो भी वहाँ आते हैं उनकी जूते रखना, उनको जूते देना, उनकी क्या कहते हैं पाद अभिषेक, उनके चरणों का अभिषेक करना, और जब सब प्रसाद लेते थे यज्ञ के बाद तो उनकी जो पतल होती है, उनके जो प्लेट होती है उसे फेंकना, तो ये सेवा जो है पतल की उठाने की सेवा, ये सेवा भगवान करते थे। तो ये है भगवान का स्वभाव। तो यहाँ पे भगवान के अलग अलग गुण के बारे में कहते हैं कि एक तो तुम उनको अपना भाई वगैरह मानते थे और वे भी कोई अहंकार नहीं रखे हैं और जो है अलग अलग रूप से जो है सेवा करते थे। नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मेषं त्यजता साक्षात् कृष्णदर्शनागता। ओके, तो यहाँ पर सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी
वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, भगवान समान रूप से सबको प्रेम करते हैं, लेकिन आप देखिए, भगवान आज यहाँ जब मैं अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ तो भगवान मेरे लिए आए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ भीष्म क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि मैं भगवान का अनन्य सेवक हूँ इसीलिए आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई सोच सकता है कि अच्छा, तो भीष्म थोड़ा ईगो दिखा रहे हैं क्या, इसीलिए आए हैं क्योंकि मैं भगवान का अनन्य सेवक हूँ इसीलिए देखिए आए हैं। नहीं, यहाँ पे ईगो नहीं है। कोई मन में सोच सकता है, वहाँ तो बहुत सारे साधु ऋषि बहुत सारे आए थे, पंडित बहुत सारे, भक्त बहुत सारे लोग आए थे, और बहुत सारे सन्यासी भी थे। तो कोई मन में ये सोच सकता है कि अरे, भीष्म देव को अंतकाल में शरीर त्यागते समय भगवान का दर्शन हुआ क्योंकि वे पांडवों के साथ जुड़े हुए थे ना, पांडवों के मेरे भाई थे, पांडव के जो माता है कुंती देवी, उनके जो भ्राता है वसुदेव जी के पुत्र थे कृष्ण, तो उनके मामा के बेटे हैं कृष्ण। तो उस रिलेशनशिप से वो भीष्म, जब उनके दादाजी जो है शरीर त्याग कर रहे हैं तो कृष्ण आए। तो अब ये जो सारे सन्यासी लोग हैं वहाँ पे, वो सोचेंगे कि अरे, बट हमारे तो कोई नाता पोती है नहीं, हमने तो शादी वादी की नहीं है, हमारा तो ऐसा कोई बड़े खानदान के बड़े लोगों के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो क्या कृष्ण, जब हम अंतकाले शरीर को छोड़ेंगे तो क्या हमारे पास कृष्ण नहीं आएंगे? तो यहाँ पे भीष्म क्लैरिफाई कर रहे कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास कृष्ण इसीलिए नहीं आया है क्योंकि मैं युधिष्ठिर से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं भगवान का अनन्य सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ इसीलिए ठाकुर जी आए हैं। तो अब ये उनको एक होप गिविंग है ना, जो दूसरे लोग हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, उसका मतलब अगर हम भी भगवान का अनन्य सेवक बन जाएंगे तो ठाकुर जी हमारे अंत समय भी आएंगे, जिस तरह से आज भीष्म देव के अंत समय में ठाकुर जी खुद विराजमान है। तो ये वो क्लैरिफाई करते, क्योंकि मैं भगवान का अनन्य सेवक हूँ, मैंने भगवान को प्यार किया है, मैंने पूजा की है, मैंने पूरा जीवन स्मरण किया है, मैंने किया है ये सब कुछ, इसलिए आज ठाकुर जी मेरे पास खड़े हैं क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ। तो बहुत सुंदर बात। तो अब कोई पूछ सकता है कि अच्छा, तो हम कैसे बने भगवान का सेवक? हम भी बनना चाहते हैं आपके जैसे, हम भी चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे पास आए अंत समय। तो उसका भी जो है वह आंसर दे देते हैं नेक्स्ट श्लोक में। कहते हैं, भक्त्यावेश्या मनो यस्मिन् वाचयन् नाम कीर्तयान् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर वो आंसर कह देते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, अगर तुम भी चाहते हो कि भगवान तुमको सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त करे, अंतकाले तुम्हारे सामने खड़े रहे, तो करो क्या, हरि नाम कीर्तन, हरि नाम कीर्तन करो। और ये काफ़ी लॉजिकल है क्योंकि सिंपल है। सी, इवन इफ जैसे द्वापर युग में भगवान खुद विराजमान थे तो भीष्म के पास में खड़े रहे, तो अब कलयुग में अगर हम चाहते हैं कि ठाकुर जी अंतकाले भीष्म के जैसे हमारे सामने खड़े रहे, तो हरि नाम करो। जब हम हरि नाम करते हैं तो भगवान तो वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवान तो खुद कहते हैं ना नारद मुनि को भी कि ना हम तिष्ठाने वैकुंठा, ना मैं वैकुंठ में हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में हूँ, मैं तो वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त हरि नाम करता है, मेरा नाम जहाँ मेरा भक्त बुलाता है मैं तो वहीं हूँ। तो हम अगर चाहते हैं कि मुखामुखी भगवान हमारे सामने भी खड़े रहे तो बस हरि नाम करना है हमें, राइट। इनफैक्ट नीलकंठ गोस्वामी के केवलाष्टकम में वो है ना एक श्लोक, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवत जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिनामेव केवलम्, हरिनामेव केवलम्।
हरि सदा वसे तत्र, हरि तो सदा उधर ही रहते हैं। कहाँ? तत्र भागवत जना, जहाँ पे भक्त उनका नाम लेते हैं। गायन्ति भक्ति भावेना, जो गा रहा है कैसे भाव से? भक्ति भाव से। जो भक्ति भाव से गा रहे हैं वहाँ तो भगवान हरि सदा हमेशा 24 घंटा 24x7 365 डेज वहीं रहते हैं भगवान। सिंपल है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भगवान का दर्शन, भगवान का साथ मिल जाएगा। इनफैक्ट द लॉजिक इज, जो भगवान का नाम लेता है वो पवित्र हो रहा है, जो भगवान का नाम लेता है वो पाप कर्मों से दूर हो जाता है, जो भगवान का नाम ले रहा है वो पापों से मुक्त हो जाता है, और एक बार जहाँ हरि नाम होता है वहाँ सब कुछ शुभ हो जाता है। तो अपने आप मृत्यु के समय कोई अगर भगवान का नाम ले रहा है तो सब कुछ शुभ हो जाता है उसके लाइफ में, क्योंकि अब उसका आने वाला जन्म भी सार्थक हो गया, ये जन्म भी सार्थक हो गया, और भगवान का जो जब उनको साथ मिलता है कि भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से ही पूरी वायु, पूरा सिचुएशन ऑस्पिशियस हो जाता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है, सब कुछ पवित्र हो जाता है। ओ मैम, केवलाष्टम का कम प्रथम श्लोक में तो है, मंगलम मंगले भ्योपी, कहते भगवान का नाम मधुर है, मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम पावनम पावने भ्योपी हरि नामेव केवलम, हरि नामेव केवलम। मधुर है, मंगलमय है, पवित्र है, पवित्र कर देता है सबको। तो यहाँ पे भीष्म देव सुंदर सी टिप दे दी है कि करो हरि नाम तो भगवान आपके पास भी आएंगे, और जब हरि नाम नहीं है, अगर आपके पास में सब कुछ है तो भी कुछ भी नहीं है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि अगर कोई भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो अगर कितना भी भौतिक व्यवस्था हो उसके पास, वो कोई दाम नहीं है उसका। अगर उसके पास में अमृत का प्याला भी हो, अगर भगवान का नाम नहीं लेता है तो वो अमृत का प्याला भी विष बन जाएगा। अगर वो गंगा के तट के पास में बैठा हो तो गंगा के तट के पास में प्यासा मर जाएगा, हालांकि गंगा के तट के पास ही है, फिर भी पानी पीने का मौका नहीं मिलेगा, प्यासा मर जाएगा। अगर कोई कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठा हो तो भूख से मर जाएगा। मतलब ये एक व्यंग है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता उसको तो हर कामना पूरी होती है, करेक्ट, कुछ भी मांग सकता है, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे भी भूखा मर जाएगा अगर भगवान का नाम नहीं लेगा तो। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो बस उसके पास अगर बेशक कुछ भी ना हो तो भी सब कुछ होगा। तो ये ब्यूटी है हरि नाम की। और आप हम देखते हैं इवन हिरण्यकश्यपु ने 100,000 क्या कहते साल, 100,000 वर्ष तपस्या की थी, सौबर मुनि ने 60,000 साल तपस्या की थी, और ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने, लेकिन 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वे हरि नाम कर रहे थे। तो जब भगवान का नाम लेते हो तो इजीली जो है भगवान को हम पा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर कहते हैं, बस डिवोशन, मेडिटेशन, चांटिंग, भगवान का स्मरण, कीर्तन, भजन, भगवान को याद करो, जप करो, तो भगवान जो है आपको भी मुक्त करने के लिए आएंगे, राइट। भगवान का नाम सब कुछ शुभ करे। हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम सुना के एक वेश्या को बदल दिया, तो और क्या है, सब सबके पूर्व में किए हुए सारे अशुभ कर्म शुभ हो जाते हैं जब हरि नाम लिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक, मेरा फेवरेट श्लोक। यहाँ पे भगवान को अब भीष्म ऑर्डर देना शुरू करते हैं, ऑर्डर देते हैं, यू नो, यहाँ पे भीष्म दिखाते हैं कि वे उनका भगवान के ऊपर में कितना हक है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिनोमि अहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोलसान् मुखं भुजो ध्यानपथस् चतुर्भुज। तो अब यहाँ पे सबको टिप देने के बाद में भीष्म अब डायरेक्टली भगवान से बात करते हैं और कहते हैं, हे वासुदेव, हे कृष्णा, रुको रुको, तुम कहीं मत जाना, अब मैं थोड़ी ही देर में
कलेवरम, मतलब मेरे शरीर को त्यागने वाला हूँ। तो हे सदैव देव, हे भगवान, प्रतीक्षा करो, हिलना मत यहाँ से एकदम। मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यही खड़े रहो। और कैसे खड़े रहो? प्रसन्न हासा, तुम्हारा हंसता हुआ मुख में देखना चाहता हूँ। अरुण लोचनला, अरुण लोचना मतलब वो जो सुबह सुबह जब सनराइज होता है तो जो उनका जो सन का कलर होता है द रेडिश कलर, वैसे कलर वाली जो आपकी सुंदर सी आँखें हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ। मुखम बुझो ध्यान, मुखम आपका जो मुखमंडल है जो एक कमल पुष्प के जैसा है, आपके सुंदर मुख के ऊपर में मैं ध्यान करना चाहता हूँ। आप मेरे पथ में खड़े रहिए। कैसे रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ? चतुर्भुजा, चतुर्भुज रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ। इतना सुंदर श्लोक है ये भीष्म स्तुति का। ये बहुत ही आशा देने वाला श्लोक है कि उसका मतलब अगर हम भगवान की क्या कहते हैं पूजा, भगवान का नाम जब भगवान को हम स्मरण में रखते हैं, भगवान का नाम, भगवान की लीला, श्रवण, कीर्तन अगर हम सीरियसली करते हैं तो फिर हम हक से भगवान को कह सकते हैं कि रहना ज़रूर मेरे आँखों के सामने जब मैं इस देह को त्याग करूँ, जब मैं प्राण छोड़ूँ। लेकिन अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की है, भगवान की सेवा नहीं की है, तो फिर उस लास्ट मोमेंट में भगवान के साथ में कैसे नज़र मिलाएंगे? उनकी आँखों में आँख डाल के कैसे बात करेंगे? हम आधा तो मतलब गिल्ट में ही रह जाएंगे और दुख करते रह जाएंगे कि कुछ भी नहीं किया तो मैंने तो पूरा जीवन कुछ किया ही नहीं, ना भक्ति की, ना ठीक से जप किया, ना ठीक से कभी सेवा भी नहीं किया। मुझे कहते थे भी मंदिर के अध्यक्ष कुछ सेवा करो तो भी मैं करता नहीं था, ऐसे ही मैंने मेरे समय को नष्ट कर दिया। अब किस हक से भगवान को कहूँ कि आ जाओ, खड़े रहो, मेरे मन में रहो, मेरे चित्त में रहो, मेरे क्या कहते हैं वो नयन पथ गामी, मेरे नयन के पथ में रहो। लेकिन भीष्मदेव जो इतना हक से कह रहे हैं, मतलब उन्हें उन्होंने किया है भगवान का श्रवण, उन्होंने किया है भगवान की भक्ति, उन्होंने किया है, तो इसलिए ज़ोर से कह पा रहे हैं, एकदम हक से कह पा रहे हैं। तो ये श्लोक हमें एक अच्छा इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें सीरियसली करनी चाहिए भक्ति, और अगर हम सीरियसली भक्ति करेंगे तो हम भी कभी भगवान को हक से कह पाएंगे। वी शुड कैरी फॉरवर्ड अवर डिवोशन, और वी शुड एग्जीक्यूट अवर डिवोशन सो हार्ड, सो हार्ड, सो हार्ड दैट द लॉर्ड बिकम्स ऑब्लाइज्ड, मतलब भगवान ऋणी हो जाने चाहिए। उतनी सुंदर तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए कि भगवान ऋणी हो जाए कि अरे मतलब क्या, अरे ये बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा, इसके बहुत ऋण है मुझ पे, कितना मुझे याद करता है, मुझे कितना प्रेम करता है, कितनी मेरी सेवा करता है। तो या भगवान को बाध्य करना है हमें, और बाध्य करने के लिए उसे कमाना पड़ेगा, वील हैव टू अर्न इट, उस भक्ति करके उस लेवल को कमाना पड़ेगा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की मुझे एक कथा याद आ रही है, कैसे थी, भगवान तो भक्त को कुछ भी दे सकता है, और जिसने भक्ति की होती है उसका भगवान के साथ एक अलग ही रिलेशनशिप होता है, उसे गिल्टी फील नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसको पता है उसने किया है। मुझे एक फनी स्टोरी याद आ रही है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक बार अपने शिष्य बिहारी, उनका जो पर्सनल सर्वेंट था बिहारी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की काफ़ी उम्र थी, मे बी अराउंड 144 ईयर्स, 144 कहते हैं कि क्या पता नहीं, 144 ईयर्स, तो इतने बूढ़े थे। और उनको एक बुट्टा, जैसे फल का बुट्टा होता है, बुट्टे में उनको लेके जाते थे यहाँ से वहाँ बिहारी। तो एक दिन वो बिहारी से कहते हैं, बिहारी मैं सोचता हूँ कि मैं ना जाने से पहले तुम्हारे लिए दो गाड़ी भर के, उन दिनों में जो बैल गाड़ी होते ना, दो बैल गाड़ी भर के सोना रख के जाऊँगा तुम्हारे लिए। तो बिहारी जोर जोर से हंसने लगता है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, हंस क्यों रहे हो बिहारी? बोलते गुरुदेव मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आप जिस पतीले में पानी पीते हो ना, वो पतीला भी टूटा हुआ है, उसमें से आधा पानी लीक हो जाता है, ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और आप मुझे ऐसा कह रहे हो कि आप मेरे लिए दो बैलगाड़ी भर के सोना रख के जाओगे, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है।
तो जगन्नाथदास बाबा जी महाराज बहुत सीरियस हो जाते हैं, बोलते बिहारी क्या मैंने भगवान की सेवा नहीं की है पूरा जीवन? तो नहीं की है गुरु महाराज, क्या मैंने भगवान की पूजा नहीं किया है? क्या मैंने भगवान का नाम नहीं लिया है? भगवान का जप नहीं किया है? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो गुरु महाराज, आपने किया है भगवान का नाम, आपने किया है भगवान का जप। तो मैंने जब इतना भगवान का नाम लिया, जप किया, सेवा की, पूजा की, भक्ति की, तो क्या भगवान नहीं आएंगे अंतकाल में मुझे लेने के लिए? नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हो गुरु महाराज, भगवान ज़रूर आएंगे आपको लेने के लिए। अच्छा, तो जब गौरंगा महाप्रभु मुझे लेने के लिए आएंगे और जब मैं उनसे कहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु आप मेरे लिए 2 बैलगाड़ी सोना दे दो, तो क्या वो नहीं देंगे? नहीं नहीं देंगे गुरु महाराज, क्यों नहीं देंगे, आप जो मांगेंगे वो देंगे। तो बस यही तो मैं कह रहा हूँ बिहारी कि मैं उनसे मांग लूँगा और मांग के मैं तुमको दे दूँगा। तो बिहारी कहता जय जय गुरुदेव, क्या बात कही आपने, कितनी सुंदर बात की, हाँ ये तो बढ़िया बात है, ये तो बढ़िया बात है। तो जब वो एकदम खुश होकर खुदने लगता है तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं बिहारी तुम्हें सोने के ऊपर में इतना मोह है बिहारी? नहीं 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 गुरु महाराज, मैंने कब कहा मुझे सोने का मोह है, आपने कहा। नहीं नहीं तुम सच बताओ, तुम्हारे अंतर में देख के बताओ, तुम्हें सोने का बहुत मोह है। जैसे मैंने कहा सोना दूंगा तुम तो खुश हो गए, तुम खोदने लगे, तो क्या तुम मेरी सेवा सोने के लिए कर रहे हो बिहारी? अगर तुम सोने के लिए मेरी सेवा करो तो याद रखो वृंदावन में अगर कोई कामना रख के सेवा करता है तो उसे बंदर बनना पड़ता है, क्या तुम उसलिए मेरी सेवा कर रहे हो? नहीं नहीं गुरु महाराज, मैंने कब कहा मुझे सोना चाहिए, आपने ही कहा था सोना देंगे, नहीं पर तुम खुश क्यों हुए? फिर बिहारी कहता है गुरु जी प्रणाम, आप ऐसे बोलो तो भी डांट लगाते हो, वैसे बोलो डांट लगा तो मुझे नहीं चाहिए सोना। तो मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि जो भगवान का भक्त होता है उसे कॉन्फिडेंस होता है कि क्या भगवान नहीं आएंगे अंतकाल, मैंने इतनी जो भक्ति की ज़रूर आएंगे उन्हें एक, और इसीलिए वे जब शैया पे रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं वे, अंत समय जब मृत्यु पास भी आती है तो उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने सेवा की है और वे आगे चल के भी भगवान का साथ मिलेगा। जैसे हम गिरिराज स्वामी महाराज की जो किताब है मैनी मून्स, उसमें हम देखते हैं जैसे अलग अलग इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों की जब अंतकाले जब उन्होंने देह त्याग किया तो उनकी मेंटालिटी, उनके मन के भाव कितने सुंदर थे। एक मतलब उस जितनी भी कहानियाँ उस किताब में गिरिराज महाराज ने लिखी है सबका एक ही भाव है, ऑलवेज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी, सब इतने खुश थे, इतने रिलैक्स थे। हालांकि कोई कोई टर्मिनल कैंसर डिजीज़ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, लेकिन सब इतना रिलैक्स कि ओके, तो आज भी हम नहीं गए क्या भगवान के पास, आज भी हम रुक गए क्या, वो शायद हम कल जाएंगे क्या, मतलब मौत के इंतज़ार में। ऐसा तो इस पूरी दुनिया में हम किसी को नहीं देख सकते जो इतने आनंद से मौत का भी इंतज़ार करे, क्योंकि भगवान के भक्तों ने इस जीवन में ही भगवान के साथ इतना सुंदर रिश्ता बना दिया है कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। जिस तरह से एक लड़की जब उसके पति के होने वाले पति के साथ या सास ससुर के साथ में ऑलरेडी उनको जानती है, पहचानती है, प्यार करती है, तो इवन दो विदाई के समय रोती है लेकिन आनंद में भी होती है, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ मुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा, वे भी मेरे अपने हैं। तो उसी तरह से भक्त भी जब ये संसार का त्याग करता है तो हाँ, जब यहाँ के जो वैष्णव है उनका साथ नहीं मिलेगा, ये एक फीलिंग होती है और एक आनंद भी होता है कि मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ और वहाँ मुझे और भगवान से ढेर सारा प्यार मिलेगा और बहुत सारे वैष्णवों का साथ मिलेगा, तो ये उनका एक कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि भक्ति की है। यहाँ पे हम यही देखते हैं भीष्म देव का एक कॉन्फिडेंस कि हाँ खड़े रहो मेरे लिए, इंतज़ार करो, हक से कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने किया है पूरा जीवन भगवान का स्मरण और भगवान से ये चीज़ वे बिना हिचकिचाए मांग सकते हैं। और अवश्य एक क्वेश्चन भक्तों के दिल में आता है कि चतुर्भुज रूप क्यों भीष्म ने, चतुर्भुज रूप क्यों, विष्णु रूप क्यों मांगा कृष्ण को, वो तो कृष्ण से प्यार करते थे। तो यहाँ पे वैष्णव आचार्यों की कमेंट्री में लिखते हैं कि
नो इट्स नॉट दैट वे चतुर्भुज को रूप को ही देखना चाहते थे, वे तो कृष्ण के रूप को देखना चाहते थे. यहाँ पे क्लैरिफाई इसलिए करते हैं भीष्मदेव क्योंकि वो द्वापर युग था और द्वापर युग में भगवान नारायण को सब पूजा करते थे. तो वे ये चतुर्भुज रूप में आप खड़े रहो कह के वे दूसरों से कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो सामने खड़े है कृष्ण वो ही नारायण है. क्योंकि नारायण है इसलिए तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, क्योंकि वो तो कोई भी रूप दिखा सकते हैं. वो चतुर्भुज में भी खड़े रह सकते, वो दो हाथों के साथ श्याम सुंदर रूप में भी खड़े रह सकते हैं. तो यही कृष्ण है, यही नारायण है, बस उसको कन्फर्म कर रहे हैं. और आने वाली पीढ़ियों जो हम भागवतम पढ़ते हैं हमारे लिए भी एक कन्फर्मेशन के लिए जो भी ये मांगते हैं, बट एज सच उन्हें तो कृष्ण के सुंदर रूप से ही प्रेम था. नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे. सुत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयनं सरपञ्जरे अपृच्छद् विविधं धर्मान् ऋषिणां चानुशृण्वताम्. अब कहते हैं सुत गोस्वामी कहते हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज बहुत ही विनयी भाव से पूछते हैं उनके दादाजी आपसे मैं सीखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ कैसे परिपालन करना चाहिए, धर्म क्या है, कैसे धर्म के सारे प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करूँ, रिलीजियस ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए एक राजा की. तो उनसे बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं और जानने की एक जिज्ञासा एक ये कहते हैं कि मैं और आपसे जानना चाहता हूँ. तो ये भी एक बहुत सुंदर सीख देती है कि सी युधिष्ठिर तो खुद धर्मराज थे और उन्हें धर्म का परिपूर्ण ज्ञान था, फिर भी जो अपना एक विनम्रता दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ों से सुनना चाहिए. कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना कि एसोसिएशन सीनियर डिवोटीज़ का एसोसिएशन लो, सीनियर डिवोटीज़ का एसोसिएशन लो. कभी कभी भक्तों को ये एसोसिएशन वर्ड का मिसइंटरप्रिटेशन कर देता है. वो सोचते एसोसिएशन लेना मतलब वो जिस कमरे में बैठे उस कमरे में बैठो, वो जहाँ पे है उनके साथ फ़ोटो ले लो, वो जहाँ है बस उनको दूर से देखते रहो. फिर हम तो सीनियर डिवोटी के एसोसिएशन में थे. नहीं, एसोसिएशन मतलब उनके साथ एक कमरे में फ़ोटो लेना या उनके साथ में उनसे सुनना, यही एसोसिएशन है. तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज मतलब एक सही सीख दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वे केवल गए भीष्म के पास, जैसे हम जाते हैं वरिष्ठ वैष्णव के पास जाते हैं, कहते हैं आशीर्वाद दे दो जो हमारा सब भला हो, हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े. हाँ, आशीर्वाद तो मांगना ही चाहिए बट एट द सेम टाइम सुनना भी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एसोसिएशन मतलब सुनना, एसोसिएशन मतलब इंस्ट्रक्शन सुनना, यही है एसोसिएशन. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भीष्मदेव के पास जाते हैं और फिर प्रणाम करके कहते हैं दादाजी आशीर्वाद दो अब मैं अच्छे से पालन करूँ, थैंक यू सो मच, हम फिर चलते हैं. नहीं, दादाजी आप सुनाइए, हम सुनेंगे, हमें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए हमारा जीवन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए, वो सुनना चाहते हैं. तो ये बहुत सुंदर. इनफैक्ट युधिष्ठिर तो सब जानते थे फिर भी सुनना चाहते. हम तो जानते नहीं हैं फिर भी सुनना नहीं चाहते. हमें तो पता भी नहीं है, इतना शास्त्र का ज्ञान इतना वाइड है, फिर भी अगर कोई कथा हमें ऑलरेडी पता होती है तो हमें इतना सुनने की आतुरता नहीं होती कि ऑलरेडी इसको सुन चुके हो गया है. लेकिन बार बार सुनना चाहिए, वरिष्ठ वैष्णवों से बार बार सुनना चाहिए क्योंकि उनके हृदय में भगवान के चरण होते हैं. भगवान की चरण की रज जो होती है वो केसर के दाने जैसे होती है और जब एक भक्त कुछ कहता है तो वो केसर के जो दाने हैं वो उनके मुखमंडल से बाहर की ओर गिरते हैं और वो हमारे हृदय पे जब गिरते हैं तब हमें भक्ति प्राप्त होती है. इसलिए तो जब वरिष्ठ वैष्णव कथा करते हैं तो हमें सामने जाके बैठना चाहिए और सुनना चाहिए. क्योंकि हम जब सुनते हैं तो क्योंकि जब वे कहते हैं तो केवल कहते नहीं, उसमें भी अपनी भी भक्ति को मिला के दे देते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे उसमें चले जाते हैं और हमें भी भक्ति बढ़ जाती है. तो यहाँ पे और ये एक्चुअली यहाँ पे तो दो चार श्लोक में ख़त्म हो जाएगा क्या क्या भीष्मदेव युधिष्ठिर से कहते हैं. लेकिन अगर किसी को विशेष इंटरेस्ट है तो महाभारत के शांति पर्व में है पूरा कॉन्वर्जेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. महाभारत के दो ही बड़े कॉन्वर्जेशन है, एक तो युधिष्ठिर महाराज और भीष्मदेव और एक युधिष्ठिर महाराज और यक्ष जो प्रश्न उत्तर होते हैं. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्या क्या उनसे पूछते हैं, क्या क्या वो जवाब देते हैं. नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे.
पुरुषा स्वभाव विहितान्यथा वर्णन्यथाश्रमाम् वैराग्य रागो पदिभ्याम् आम नतो भयलक्षणान्। तो अभी युधिष्ठिर महाराज ने ये पूछा, इसलिए भीष्म देव ने अभी क्या किया, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताना शुरू किया। एक्चुअली ये परपोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, उस सारे परपोर्ट्स अगर हम पढ़ना चाहते तो हमें और भी स्लो जाना पड़ेगा। बट हम अच्छा भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा भक्त से बनने से पहले हमें अच्छा इंसान बनना है। वो अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें है, बहुत छोटी चीज़ बट फाउंडेशनल चीज़ है। सिर्फ जैसे यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद परपोर्ट में बोल रहे हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं आना, माफ़ कर देना, अभद्रस्ती संग नहीं करना, मन को पवित्र रखना, किसी के ऊपर में शत्रुता नहीं दिखाना, सिंपल रहना, हमारे घर में जो काम करते हैं हमारे लिए सर्वेंट्स उनके साथ भी अच्छी तरह से व्यवहार करना, क्षत्रियों को ज़रूरी है कि वे दान दे, और वैश्य जो है उन्हें गाय की रक्षा करना, ऐसी शूद्र को क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, इतना सुंदर से जो है बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। दान धर्मम राजधर्मम मोक्ष धर्मम विभागसा स्त्री धर्मम भागवत धर्मान समसा व्यास योगता। अलग अलग धर्म, दान धर्म के बारे में, राजा का धर्म क्या है, राजधर्म के बारे में, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, स्त्री की क्या क्या ड्यूटीज है, भागवत धर्म क्या है, हर एक चीज़ के बारे में वे बताते बताते आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षम चा सहोपायन यथा मुने नानाख्यानेति इतिहासे सुवर्णयाम शतत्ववित। इतिहास बता रहे हैं, हिस्ट्री एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इस राजा ने वैसा किया था तब उसके साथ में ऐसा हुआ, तो उसका मतलब हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, वैसे अलग अलग उदाहरण देते हुए, एनालॉजीज एग्जाम्पल्स देते हुए समझा रहे, पूरी हिस्ट्री उनको जो है बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। धर्मां प्रवदतस्तस्या सकाला प्रत्युपास्थिता यो योगिनाश्चन्द मृत्यो वंचिता स्तुतरायनः। तो जब ये सारी बातें हो रही है, समझा रहे हैं, तब भीष्म देव ने एक बात नोटिस की कि ओ अभी तो टाइम चेंज हो रहा है, उत्तरायण में जो है अभी सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो अब इस टाइम पे जो है मुझे मेरे शरीर का त्याग करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत सुंदर सीख है। एक्चुअली भक्तों के लिए तो एवरी टाइम इज़ ए गुड टाइम, जैसे कहते हैं ना कि सर्वकाल कृष्ण समर्पण भक्त के लिए, क्योंकि भक्त तो सब समय भगवान को मन में रखता है, और जब आप भगवान को मन में रख के शरीर का त्याग करते हो तो आप भगवद्धाम ही जाने वाले हो, आप दक्षायण में जाओ शरीर को त्याग करो या उत्तरायण में त्याग करो, एक ही है। फिर भी भीष्मदेव उत्तरायण का चयन क्यों करते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वर था। ये जो चयन करना होता है ना, मतलब सेलेक्शन, ये सबके लिए नहीं है, मतलब ये ऑप्शंस हमारे लिए नहीं है, ये कोई मेनू कार्ड जैसा नहीं है कि हम सेलेक्ट कर सकते कि मैं ना इस टाइम पे मरूंगी, तो हम मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो योगी होते हैं उनको ये पावर होती है, क्योंकि उन्होंने इतना जो है योग बल से वे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइम में वे शरीर छोड़ेंगे, और ऐसी शक्ति भीष्म देव में भी थी क्योंकि वे इच्छा मृत्यु थी, तो इसलिए वे जानबूझ के अच्छा समय सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सी इवन दो ही इज़ ए डिवोटी और वो कभी भी मरते तो भगवान के पास ही जाते, लेकिन अगर वो अगर गलत समय पे अपना शरीर त्याग करते तो शायद बाद में सारे निंदा करते कि भीष्मदेव तो इतने उत्तम भक्त थे, फिर वो क्यों ऐसे अशुभ घड़ी में शरीर को त्याग किए हैं। तो क्योंकि उनके पास में चॉइस थी, वे अच्छे समय को चेक करके जो है अपना शरीर त्याग करते, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे भी
भीष्म देव जिस उत्तरायण का वेट कर रहे थे वो ये उत्तरायण एग्जैक्टली नहीं है, वे तो भगवान उत्तरायण का वेट कर रहे थे। जैसे भगवान का एक नाम है उत्तरायण, जैसे जो भगवान को कहा जाता है नारायण, नारायण मतलब जो पानी का आश्रय लेते, आयन मतलब आश्रय लेना, नारायण मतलब जो पानी का आश्रय लेता है। और भगवान का और एक नाम है उत्तरायण, क्योंकि उन्होंने उत्तरा के गर्भ का आश्रय लिया था जब परीक्षित महाराज की रक्षा की थी उन्होंने उत्तरा देवी के गर्भ में, तो भगवान का भी एक नाम है उत्तरायण। तो एक्चुअली भीष्मदेव तो वेट कर रहे थे कि ठाकुर जी को जब मुखामुखी देखूंगा तो उनको देखते हुए मेरे शरीर का त्याग करूंगा, एट द सेम टाइम ऑस्पिशियस टाइम, सो दैट लोग उन्हें बाद में उनकी निंदा ना करें। तो एक क्योंकि अभी ऑस्पिशियस टाइम एंटर हो रहा था, भीष्मदेव ने ऑब्जर्व किया कि ये तो अब सही टाइम है, तो अब क्या करेंगे भीष्मदेव, आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तदोपसां हृत्या गिरा सहस्रानिर्विमुक्त संगम मनादि पुरुषे कृष्णलसात्पितपते चतुर्भुजे पुरास्थिते मिलिता दृग व्यधारयात। तो अभी क्या होता है, जैसे ही भीष्मदेव देखते हैं कि अच्छा समय आ गया है तो वे शांत हो जाते हैं, एकदम चुप। जो जिस आदमी ने हजारों युद्ध लड़े थे, हजारों लोगों की रक्षा की थी, हजारों विषय पे बातें की थी, वो एकदम चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस अब हो गया, अब जो है मैं मेरा शरीर को त्याग करूँगा। तो यहाँ पे वो भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और उनकी जो दो आँखें हैं अब भगवान के ऊपर में फिक्स्ड हो गई है, और वो कहीं नहीं देख रहे, मन में कुछ नहीं सोच रहे, अब वो कुछ नहीं बोल रहे, केवल भगवान की तरफ देख रहे, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। भगवान के जो सुंदर से पीत रंग के पीताम्बर जो चमक रहा था, ऐसे भगवान जो खड़े थे पीताम्बर पहने हुए उनकी तरफ वे देख रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। विशुद्धाय धारणाय हता शुभास्तदिक्षये वासुगता युद्धश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्त विभ्रमास तुष्टवजन्यं विश्रजन जनार्दनम। तो अब जब वो भगवान की तरफ देख रहे हैं और ठाकुर जी उनकी तरफ देख रहे हैं और दोनों केवल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो अब क्या चमत्कार हो गया कि अब जो है भीष्म देव की सारी व्यथा, जो ये सारे बाण की शैया में जो उनके बाण चुभ रहे थे, सारी व्यथा चली जाती है और उनको ऐसा लगता है जैसे कि वे गुलाब की पंखड़ियों पे लेटे हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भगवान की ईक्षणा, भगवान जब किसी के तरफ देखते हैं तो दो चीज़ होती है, एक तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और एक तो सारे पाप नाश हो जाते हैं। अब कोई पूछेगा कि कष्ट दूर हो गया तो समझ में आया, पाप नाश, भीष्म ने तो कोई पाप किया ही नहीं था, वे कितने पवित्र थे, तो क्या पाप नाश हुआ। तो वैष्णवाचार्य कहते हैं कि नहीं, भीष्म ने भी पाप किया है। क्या पाप है, कि जब द्रौपदी उस असत सभा में उसका अपमान कर रहे थे तो भीष्म कुछ नहीं बोले। तो जब कहीं अगर अन्याय होता है और अगर हम बैठे हुए देखते हैं तो हम भी उसके भागीदार बन जाते हैं, तो वहाँ जो गलत हुआ था उसका पाप भीष्म को भी लगा। लेकिन अब जब भगवान कृष्ण भीष्म की तरफ देख रहे हैं तो सारे पाप खत्म हो गए। तो क्या पाप के वजह से उनको बाण की सैया में, नहीं, एग्जैक्टली क्या हुआ है कि उस पाप के वजह से भगवान से दूरी थी, अब जो है भगवान और उसके नज़दीक आए हैं, सारे पाप से वे विमुक्त हो गए, अब जल्दी से जो है वो अपना देह त्याग करेंगे। क्योंकि उनको कितना इंतज़ार करना पड़ा, ये जो पूरा युधिष्ठिर महाराज के साथ उनका जो वार्तालाप हुआ वो एक दिन का नहीं था, 54 डेज़ वहाँ पे सब थे, द्रौपदी थी, सारी रानियाँ थी, सब बैठ के भीष्म देव जो धर्म की बातें कर रहे थे वो सब लोग सुन रहे थे। तो एट द एंड ऑफ इट 54 डेज़ के बाद में फाइनली जो है उत्तरायण का समय आता है, भगवान जो है भीष्म की तरफ देख रहे हैं, भीष्म भगवान की तरफ देख रहे हैं, और जो है उनकी सारी व्यथा दूर हो जाती है, और क्योंकि व्यथा दूर हो जाती है अब वो और भी जो है भगवान के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं और अब वो शरीर त्याग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो काफ़ी लॉजिकल है। इस भौतिक जगत में भी आप देखिए, जो मत्स्य होते हैं, फिशेज होती है पानी में, वे दूर से अपने अंडे को देखती है तो भी
वो इतने प्यार से देखती है कि वो अंडे की पुष्टि होती है, मतलब वे अच्छे से हेल्दी से ग्रो होते हैं। तो इमेजिन अगर कोई भगवान अगर किसी को प्यार से देख रहा है तो 100% उसके साथ क्या होगा, ज़रूर उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसके सारे जो है पाप से वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि भगवान उसके तरफ देख रहे हैं, भगवान की एक क्षण में बहुत पावर है। इनफैक्ट हम भागवतम की कालिया दमन लीला में भी देखते हैं कि कैसे जब कालिया का विषपूरित पानी वो गोप बालक पी लेते हैं और सब मर जाते हैं, लेकिन बाद में जब भगवान उधर आते हैं और अपनी ई क्षण अपनी आँखों से उस गोप बालक की तरफ देखते हैं तो वे फिर से सजीवन हो जाते हैं। तो भगवान की जो ये आँखें हैं, ये जो भगवान देखते हैं हमारे तरफ, इसमें सारे पाप सारे कष्ट सब कुछ दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान की श्री विग्रह का दर्शन रेगुलरली करना चाहिए कि हम भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान भी जब हमारे तरफ देखते हैं। तो जिस तरह से एक भिखारी अगर एक अमीर आदमी को देखता है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन अमीर आदमी उस भिखारी को देख लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वो अमीर आदमी अब उसको मदद करेगा। तो इस तरह से हम तो भगवान को देखते हैं, लेकिन जब भगवान भी हमारी तरफ देखते हैं, जब हम रेगुलरली जो है भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं। और ऑफकोर्स क्या करें, जिस तरह से जिससे विशेषकर भगवान हमारी तरफ देखें, तो हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। और जब स्पेशली हम मंदिर में खड़े रहे तो सबको धक्का मार के आगे जाके दर्शन नहीं करने चाहिए, हमेशा दूसरों को आगे भेजना चाहिए। जब हम जिनको आगे भेजते हैं दर्शन के लिए वो भगवान को देखेंगे, लेकिन भगवान हमें देखेंगे क्योंकि हमने उनको आगे भेजा है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स से हम क्या है भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और तो यहाँ पे कहते हैं पहली दो लाइन में कि सारी इनऑस्पिशियसनेस, जो भी अशुभ था सब ठीक हो गया अभी जो है, क्योंकि भगवान भीष्म देव की तरफ देख रहे थे। और उसके बाद वाली जो दो लाइन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि सारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ उन्होंने बंद कर दी, इंद्रियों की सारी एक्टिविटीज़ बंद करके एकाग्रता से वे केवल भगवान की ओर देख रहे थे। तो एक्चुअली इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत कष्ट है, और अगर अभी से उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो अंतकाले जब शरीर छोड़ रहे होंगे तब बहुत मुश्किल होगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी वो एग्जांपल नहीं देते, एक बुढ़िया अपने पति से कहती है चांट चांट चांट, और वो कहता है कांट कांट कांट, मतलब वो कांट 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 बोल देता है लेकिन चांट नहीं करता है। तो अभी से अगर आदत नहीं है भगवान के ऊपर में मन को एकाग्रत करना, तो अंतकाले तो और भी मुश्किल लगेगी, क्योंकि जब देह को आत्मा छोड़ती है तो 40,000 स्कॉर्पियंस एक साथ में काट रहे हो, हमें उतना पेन होता है जब आत्मा छोड़ती है शरीर को। तो उतने पेन में भी अगर भगवान को याद करना है तो अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह से ऐसा नहीं है जब अब योगा करेंगे ना तो योगा के टीचर्स सबसे पहले ये बात बताएंगे कि अगर आपको सही तरीके से योगा करना है तो जब आपके हाथ और पैर मूव होते हैं तो उसके साथ श्वास भी अंदर बाहर लेना पड़ता है। लेकिन जब कोई नया नया योगा करता है तो कहते हैं दोनों एक साथ में नहीं हो सकता, आप कहते हो हाथ ऊपर करो हाथ नीचे करो तो कर सकते, लेकिन हाथ ऊपर के साथ साथ सांस भी अंदर जानी चाहिए बाहर जानी चाहिए तो नहीं होगा। फिर टीचर कहेंगे थोड़ा दिन प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करते हैं तब एकदम सहज भाव से हाथ के साथ में अनकॉन्शियसली इनहेलिंग एक्सहेलिंग भी हो ही जाता है। तो उसी तरह से हमारे जो रोज़मर्रा के काम है उसके साथ साथ में हमें पहले तो लगेगा कि साथ साथ में भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, या तो काम कर सकते हैं या तो बैठ के 16 माला जप कर सकते हैं, दोनों नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 ऐसा हो जाता है कि 24/7 अपार्ट फ्रॉम हमारा चांटिंग टाइम भी भगवान हमारे स्मरण में रहे। तो यहाँ क्योंकि एट द एंड तो इंद्रियों को एकाग्रत करना है, कंप्लीट फोकस में लाना ही है। इनफैक्ट अभी जैसे क्लास भी 1.5 आवर हो जाता है तो मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लगता है कि पैर थोड़ा सा बैठूँ थोड़ा सा यहाँ घूम लूँ, इतना ऐसा कंटिन्यूसली नहीं सुन सकते हैं। तो अगर अभी से हम जैसे प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ा और अपने आप को स्ट्रेच करें, थोड़ा और जप करें, थोड़ा और मन को एकाग्रत करें, तो आदमी तो मन इतना चंचल है, इट वॉन्ट्स टू ट्रैवल, वो घूमना चाहता है, मन एक यात्री है, यहाँ वहाँ घूमना चाहता है, बैठना नहीं चाहता, एक ही चीज़ में लगना नहीं चाहता, बहुत जल्दी बोर हो जाता है कोई भी चीज़ से। लेकिन अभी से अगर सी
अर्जुन को इतना अप्रिशिएशन मिला क्योंकि वो अपने मन को एकाग्रत कर पाया। जब द्रोणाचार्य ने पूछा आप क्या देख रहे हो, हर एक शिष्य ने कहा मैं झाड़ देख रहा हूँ, किसी ने कहा मैं पत्तों को देख रहा हूँ, किसी ने कहा गुरुजी मैं आपके चरणों को देख रहा हूँ, लेकिन अर्जुन ने कहा मैं केवल उस पक्षी की आँख को देख रहा हूँ। तो उस तरह से भक्त को भी उस सिचुएशन में अपने आप को एक दिन लाना है जहाँ पर मैं केवल कृष्ण की के बारे में स्मरण कर रहा हूँ। तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करते करते, जैसे हम जब क्लासेस सुनते हैं तो कभी कभी एक दो घंटा कंटिन्यूस बस हम सुन रहे हैं, बाकी सारे काम अलग से रखे हुए, या जब हम जब करते हैं तो कंटिन्यूस सिर्फ जब ही करना है और कुछ भी नहीं। तो ऐसा आदत करते करते धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करते हुए हमारी इंद्रियों को जो है हम एकाग्रत कर सकते हैं, हम इंद्रियों को जो है हम फोकस करना ट्रेन कर सकते हैं। सी ये एक ऐसा है, जैसे आदत बना वैसे हो जाता है, हमारी जैसी कंडीशनिंग करो वैसी हो जाती है। अगर हम मन को ऐसा चॉइस दे देते हैं कि नहीं जहाँ जाना है जाओ तो ऐसा ही, अगर हम मन को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं यू कांट गो एनीवेयर, इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उधर ही रहेगा। जैसे मन को ट्रेनिंग दिया जाएगा वैसे रहेगा। तो जब हम एक्सटेंडेड टाइम हमारे जब भी 2 आवर्स परफेक्टली करें, हमारा हियरिंग भी हम परफेक्टली करें विदाउट गेटिंग डाइवर्टेड हियर एंड देयर, तो स्लोली आवर माइंड एंड सेंसेस विल गेट यूज टू, हो जाएंगे नियंत्रण में रहना। हाँ, लास्ट एक स्टोरी कह के यहाँ पे ख़त्म करूँगी। भक्त तुकाराम की एक फनी सी स्टोरी है। भक्त तुकाराम बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, तो सब उनका कीर्तन सुनने के लिए आते थे, लेकिन एक ही समस्या थी, कीर्तन तो बहुत अच्छा करते थे लेकिन बहुत देर तक करते थे, उतना नहीं सुन सकता है कोई, तो आँख बंद करके वो कीर्तन करते थे। तो आँख बंद करके कीर्तन करते थे लेकिन 2-4 घंटे के बाद जब आँख खोलते थे तब कोई नहीं रहता था, सारे चले जाते थे। तो ये उनको भी रोज़ की आदत हो गई थी कि अरे कोई नहीं रुकता है, लेकिन फिर भी वो कीर्तन करना बंद नहीं करते थे। तो एक दिन वे पूरा रात कीर्तन करते रहे, तो सुबह जब उन्होंने आँख खोली तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ था। तुकाराम जी इतने खुश हो गए, मैं कह रहे मैं तुम्हारी भक्ति को अप्रिशिएट करता हूँ, कितना सुंदर तुम पूरा रात मेरे कीर्तन तुम सुनते रहे, तुम्हारी भक्ति को मैं जो है अभिनंदन करता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको मुझे इतना प्रेज़ करने की, इतनी प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई आपके कीर्तन के लिए रुका नहीं हूँ, आप जिस चटाई पे बैठे हो वो चटाई मेरी है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कब बंद करोगे आपका कीर्तन, तो मैं चटाई लेके घर जाऊँगा, क्योंकि मैं चटाई के बिना घर गया तो मेरी बीवी मुझे डांटेगी, तो यही है, आप अपने कीर्तन अभी बंद किया, मेरी चटाई दो, मैं मेरे घर। तो आसान नहीं है, मतलब घंटों तक भगवान की बातें सुनना या उसमें मन रखना, क्योंकि मन को पूर्व की बहुत सारी आदत है ना, यहाँ वहाँ घूमने की, तो उसको पकड़ के ऐसा बिठा के रखना मुश्किल है, लेकिन अगर बिठा के रखेंगे तो फिर उसे आदत हो जाएगी भगवान का कीर्तन सुनने की, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम भगवान का जप करने के लिए और भगवान की कथा सुनने की। तो यहाँ पे बस भीष्म ने सब कुछ बंद कर दिया, सारे सेंसेस को बस यहाँ वहाँ से निकाल के केवल भगवान के ऊपर में उन्होंने अपने मन को, अपने सारी इंद्रियों को केंद्रित किया, और फिर भीष्म देव ने शुरू की भीष्म स्तुति। तो ये था क्लास का इंट्रोडक्शन, चलिए अभी शुरू करते हैं आज का क्लास। नहीं, मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल मत डरिए, अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। तो हम अभी कभी और किसी दिन इसका 3rd एपिसोड लेंगे, जहाँ पे हम भीष्म देव की स्तुति शुरू करेंगे। छोटी सी स्तुति है, केवल 11 श्लोक है, आने वाले कोई सेशन में हम इस 11 श्लोक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक काफ़ी समय हो गया है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगी। ओके, सो 2 क्वेश्चन है आपके। तो प्रथम क्वेश्चन आपने पूछा कि कभी कभी जैसे हमसे कोई गलती हो गई या कोई वैष्णव अपराध हो गया, अब हमारा मन खराब लग रहा है, तो भक्ति में भी अच्छा नहीं लग रहा है, जब करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार मन में यही बात आ रही है जो भी अपराध हुआ था। सी वन वे ये अच्छी बात है कि हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि पश्चाताप
ये जो ताप है, ऐसा ये जो हम जो जलते हैं उस सिचुएशन के बारे में सोच सोच के, जो हम अंदर में जो सफरिंग होती है या आंसू निकलते हैं, तो उससे हमारे पाप धुल जाते हैं, हमने जो गलती की है वो दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग, उसके बारे में दुख होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के दो भाग है, दुख होने के बाद में फिर हमें सेवा कंटिन्यू करनी है। तो कभी कभी हम सिर्फ फर्स्ट पोर्शन लेते हैं उसका कि हाँ हम दुख करते हैं, लेकिन उसके बाद वाला सॉल्यूशन हम नहीं लेते हैं। तो हाँ, जब भी कुछ गलती हमने की है तो हाँ हमें दुख तो होना ही चाहिए, क्योंकि दुख नहीं होगा तो फिर से हम करेंगे उस गलती को, फिर से रिपीट करेंगे। तो दुख तो हमें करना चाहिए, बार बार उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जैसे कहते हैं कि गिरने के बाद फिर उठना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप फिर गिरने के बाद अगर आप उठोगे ही नहीं तो फिर और गिर जाओगे। तो उस सिचुएशन में आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, जो भी आपके आसपास में कोई अगर आपसे सीनियर डिवोटी है या सीनियर वैष्णव है, उसके साथ उसके पास जाके आपको मदद लेनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे आपको शायद कोई कहने वाला चाहिए कि ओके फाइन, आपने गलती की है, बट दैट्स ऑल राइट, ओके कम ऑन, ये आपने अच्छा भी किया है। तो कभी कभी अगर आपके पास में ऐसा कोई नहीं है तो यू योर सेल्फ हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ कि ओके फाइन, आई हैव डन दिस वन मिस्टेक, बट आई थिंक आई हैव डन दिस थिंग्स ऑल्सो, सो इट्स ऑल राइट, आई हैव डन दिस वन मिस्टेक, लेकिन मैं अब उसको आगे रिपीट नहीं करूँगा एंड आई विल गेट माई सेल्फ बेटर। तो कभी कभी भक्त अपने आप से ये करने में समर्थ होता है, कभी कभी किसी की मदद चाहिए, कोई हमें बोलने वाला चाहिए टू काउंट योर गुड थिंग्स ऑल्सो। तो किसी की मदद लीजिए, सम यू नो वैष्णव की मदद लीजिए। द होल पॉइंट इज दैट इज वाई एवरी डिवोटी शुड हैव समथिंग कॉल ए, आपका कहते हैं ना बैकअप सिस्टम होना चाहिए, कि कभी भी जैसे मैं अगर गिरता हूँ तो एक बैकअप टीम होना चाहिए, एक बैकअप वैष्णव होना चाहिए आपके लाइफ में, एक मेंटर होना चाहिए, एक सीनियर डिवोटी या आपके सर्कल में कोई भी एक होना चाहिए होम यू कैन ऑलवेज फॉल बैक, जैसे आपका फॉल बैक ऑप्शन, मुझसे ये हुआ है ठीक है मैं अब पश्चाताप भी कर रहा हूँ, बट द सेम टाइम दे विल पुश यू, ओके फाइन हो गया, चलो डन, यू आर फीलिंग सॉरी अबाउट इट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। दूसरा बात रहा दूसरों से एक्सपेक्टेशन, सी वन थिंग इज देयर, दूसरों से आप, मैं जहाँ तक आपका क्वेश्चन समझी हूँ, आप कहते हो दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, फिर जब वो फुलफिल नहीं करते तो हमें बुरा लगता है। लगना तो नहीं चाहिए बुरा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इस पूरी दुनिया में कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आपके कर्म ही आपके लिए कर सकते हैं। आप सच में अगर चाहते हो ना किसी से कुछ पाने के लिए, तो अपने कर्मों को इम्प्रूव करो, दैट्स द होल वन सेंटेंस आंसर फॉर दिस। बिकॉज इवन इफ आगे चल के अगर आप देखते हो ना कोई आपके साथ अच्छा भी बिहेव कर रहा है, तो वो भी उसका क्रेडिट नहीं है, आपके कर्म अच्छे हैं अभी एज ऑफ नाउ, आपके कर्म का उदय अच्छा चल रहा है। जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा मेरे गुजराती में, जैसे मैं कहती हूँ उदय भाई मतलब कर्म के उदय। तो आपके जो अभी उदय भाई जो आपके साथ अभी चल रहे हैं, वो अभी अच्छे कर्म उदय हुए, तो आपके साथ सब अच्छे है। कभी कभी उदय भाई आपके मतलब ये बुरे कर्म चल रहे हैं, तो आपके साथ सब बुरे हैं। तो दूसरों का कोई रोल ही नहीं है आपके लाइफ में, इतने पावरफुल कोई है ही नहीं आपके लाइफ में जो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करे या आपकी एक्सपेक्टेशन ना पूरी करे। दोनों सिचुएशन में उतने पावरफुल कोई है ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ एक ही पर्सन है जो आपका एक्सपेक्टेशन या आपकी इच्छा पूरी कर सकते, वो है कृष्ण या तो आपके कर्म। तो या तो कृष्ण से मदद मांगो या तो अपने कर्म इम्प्रूव करो, अच्छे कर्म करो और जप करो, दान पुण्य करो, अच्छे से सबसे व्यवहार करो, एंड इट विल कम बैक टू यू फॉर ए श्योर। एंड और एक चीज़ मैं बताती हूँ, यू कैन जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। आप जब बैंक में जाते हो ना, पैसा डिपॉजिट करते हो, समझो आपने बैंक में 5,000 रुपये या चलो 10,000 रुपये डिपॉजिट किए, 2,000 की नोट में, 2,000 की नोट में 10,000 मतलब कितने नोट, 5 नोट। अब आपने 5 नोट 2,000 के बैंक में डिपॉजिट कर दिए, आपके अकाउंट में 10,000 आ गए, अभी आप घर चले गए। अभी आपको अगर कल पैसा जाके विड्रॉ करना है, आपने 10,000 का चेक लिखा, अब ज़रूरी है कि वो आपको 2,000 के नोट में ही 10,000 वापस देंगे? नहीं, वो आपको 100 रुपीज़ के नोट में भी दे सकते हैं, 500 के नोट में भी दे सकते हैं। और अगर आप अभी जाके झगड़ा करोगे तो, पर मैंने तो कल आपको 2,000 के नोट में दिया था, मुझे मेरे 2,000 के नोट चाहिए, तो बैंक वाले बोलेंगे आपका दिमाग ख़राब है क्या, मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ, ले लो ना, 2,000 के नोट में दूँ या 500 में दूँ या 100 दूँ, मैं आपका पैसा दे रहा हूँ ना। बस यही हमारे जीवन का भी है, हम जब किसी के लिए अच्छा करते हैं या हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमें वापस आएंगे, पर हमारा प्रॉब्लम ये है हमें वो 2,000 के नोट में ही चाहिए। ये डिवोटी मेरे साथ में अच्छा बिहेव करना चाहिए, इससे ही है मुझे एक्सपेक्टेशन, ये मेरे को रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, मैंने उनके लिए इतना किया, ये मुझे क्यों रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अरे बाबा नहीं करते तो मत करो, कोई और करने वाला है, क्योंकि आपका पैसा तो कहीं नहीं जाएगा।
आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा तो इससे मिलेगा, इससे नहीं तो उससे मिलेगा, आपके 10,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। हमारी समस्या ये है, हमें उसी नोट में चाहिए, इसलिए हमारे पूरे जीवन का रोना धोना। इससे मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसने नहीं किया, मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन उसने मेरे लिए नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, आपका पैसा कहीं नहीं गया है। आपने जो भी अच्छे कर्म है, इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। ये 2,000 के नोट में चाहिए, ये क्या कहते हैं ना, ये जिद लेके मत बैठो, जिसमें भी मिलता है लेके खुश रहो, दैट्स इट। सो डोंट वरी, आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई ना कोई जो है रेस्पॉन्ड करेगा, कोई नहीं करेगा तो ठाकुर जी बैंक के जो चीफ मैनेजर है वो खुद दे देंगे आपका 10,000 वापस, उतना उस पर चिंता मत करो। और दूसरे को इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो, वो लोग कौन है देने वाले, दे आर नोबडी, योर कर्मा इज़ गिविंग यू और कृष्णा इज़ गिविंग यू, एक्सपेक्ट फ्रॉम द राइट सोर्स। गलत जगह जाके एक्सपेक्टेशन करोगे तो रोना तो आएगा ही, राइट। टैप में से पानी चाहिए, लेकिन टांकी में तो पानी होना चाहिए ना, फिर जाके मैं रोऊंगी ये टैप खोल के बैठे हूँ पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, बट पानी तो टैंक में नहीं है तो कैसे आएगा। कर्म हमारे अच्छे है नहीं, लेकिन टैप को कोस रहे हम, तो हमारे कर्म अच्छे नहीं है, फिर हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ लेकिन वो मेरे लिए कर नहीं रहे। तो टैप का गलती मानना छोड़ो और स्विच चालू करके टैंक भरो, दैट्स इट। दो क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन है आपका कि मनन तो करना चाहते हैं लेकिन स्मरण में रहता नहीं है। तो इस बारे में हम बहुत बार क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं कि स्मरण में रहने के लिए हृदय में जगह बनानी पड़ती है, लेकिन हृदय में बहुत सारी अलग अलग और चीज़ें होती है, तब भगवान के लिए जगह नहीं रहती है। तो इसलिए थोड़ा भौतिक कार्य जो हम करते हैं उसको कम करना चाहिए। जिस तरह से मैं हमेशा क्लासेस में कहती हूँ कि प्लेट में अगर राइस है, दाल है, सब्जी है, पनीर की सब्ज़ी, ये है, वो है, इतनी सारी चीज़ों में, फिर वो खीर कहाँ गुम हो जाता पता नहीं चलता है। अगर खीर का स्वाद लेना है तो पहले सारी प्लेट को क्लीन करना है, तभी जाके खीर का स्वाद आएगा। तो उसी तरह से हमारे भौतिक जीवन में इतना कुछ चल रहा है, उसके साथ में कहीं थोड़ा सा हम भक्ति को मिलाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये हमारे स्मृति में क्यों नहीं रह रही है। तो थोड़े भौतिक कार्यकलाप कम करने हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्मरण में भगवान रहे तो स्मरण में रहने के लिए श्रवण ज़्यादा करना है। जब श्रवण कीर्तन ज़्यादा होता है तब अपने आप स्मरण होता है। और कभी कभी शायद हम अपना 100% कोशिश कर भी रहे हैं शायद, फिर भी स्मरण में नहीं रह रहा है। मतलब कभी कभी हमारे पूर्व का भी बैगेज होता है, शायद इस लाइफ की कोई गलती नहीं हो, इस लाइफ में शायद हम हमारी 100% कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी स्मरण में नहीं रहता है, तो कभी कभी पूर्व का बैगेज होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम किस टाइप ऑफ एसोसिएशन में है, पूर्व का बैगेज क्या है, अभी इस लाइफ के एसोसिएशन क्या है, ऑल्सो आप क्या लेते हो फूड, वो प्रसाद भी किस तरह का लेते हो, सात्विक है, राजसिक है, ऐसी हर एक छोटी छोटी चीज़ों में चेंज लाने से जो है हम हमारी भगवान की स्मृति बढ़ेगी। रेगुलर भागवतम पढ़ना और प्रभुपाद जी से सुनना, दैट हेल्प्स अ लॉट। रोज़ अगर एक रूटीन में कम से कम एक आधा घंटा प्रभुपाद जी का क्लास सुनने से बहुत अफेक्टिव होता है, क्योंकि वे शुद्ध भक्त है और उनकी बात जब सुनते हैं, उनकी वाणी जब सुनते हैं तो वो डायरेक्टली जो है हृदय को टच करता है, प्यूरिफाई करता है। मतलब ये नहीं कहना चाहते कि दूसरे के क्लासेस सुनने से ऐसा नहीं होता है, किसी का भी भगवान का जब नाम सुनते हैं तो प्यूरिफाई होता ही है, पर क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी विशेष अनुग्रह प्रेम से कहते हैं और वे भगवान के बहुत ही स्पेशल डिवोटी है, तो इसलिए उनकी क्लास सुनने से ज़्यादा अफेक्ट होगा। सेकंड आप ने सेकंड क्या क्वेश्चन पूछा था, पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं इनिशिएशन के लिए। हाँ, भक्ति मतलब दो चीज़, एंथुजियाज्म एंड पेशेंस। सो कुछ कुछ डिवोटीज ऐसा है वो सात्विक होते हैं, एंथुजियाज्म भी रखते हैं, पेशेंस भी रखते हैं। कुछ डिवोटीज़ राजसिक होते हैं, एंथुजियाज्म तो बहुत है भक्ति करने के लिए लेकिन पेशेंस नहीं है। और कुछ कुछ डिवोटीज़ तामसिक होते हैं, उनके पास पेशेंस ही पेशेंस है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है। उनको भक्ति करने के लिए बोलो तो कहते हैं अरे इतने जल्दी क्या है, पेशेंस रहो, अभी नहीं 5 साल बाद लेंगे दीक्षा,
तामसिक भक्त, पेशेंस ही पेशेंट, भगवान शाश्वत, मेरी आत्मा भी शाश्वत, दुनिया शाश्वत, कभी ना कभी जाएंगे हम, तो ये उन तामसिक है। राजसिक लोगों को बिल्कुल पेशेंस नहीं है, ओनली एंथुजियाज्म एंथुजियाज्म, लेकिन थोड़ा में ही जो है डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। सात्विक लोगों में एंथुजियाज्म भी होता है, पेशेंस भी होता है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनमें एंथुजियाज्म भी होता है, पेशेंस भी होती है और फेथ होती है भगवान के ऊपर में, श्रद्धा। तो यहाँ भक्तों को दोनों होनी चाहिए, एंथुजियाज्म से नहीं मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, एट द सेम टाइम्स पेशेंस भी रखनी है। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो रूल्स उन्होंने ले डाउन किए हैं, हाँ आप 6 महीना इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद दीक्षा, तो ये हमें क्या है, हमें एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, हमें प्यूरीफाई प्यूरीफाई प्यूरीफाई, जैसे एक स्कूल के जैसे है। अगर कोई क्लास 1 का स्टूडेंट कहेगा कि 10th क्लास तक 10 साल क्यों वेट करना है, मुझे एक ही साथ में लिख देना है, तो ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, और ये बहुत सुंदर प्रोसेस है। जैसे हम धीरे धीरे इनिशिएशन के लिए जब वेट भी करते हैं, वो हमें और प्योरीफाई भी करता है कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ तो स्थायी भाव से, क्योंकि इनिशिएशन तो छोटी चीज़ नहीं है। एक गुरु जो हमारे सारे कर्मों को लेने वाले हैं, या फॉर दैट मैटर यू नो एक नया जीवन शुरू होने वाला है, तो उसके पहले ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। आज एक पायलट का भी ट्रेनिंग होता है उसको प्लेन देने से पहले, नेवी वालों का भी ट्रेनिंग होता है, एक लड़की की भी ट्रेनिंग होती है ससुराल जाने से पहले, एक ऑफिस, एक नॉर्मल एक आईटी ऑफिस वाले भी बोलते पहले 6 महीना ट्रेनिंग होगा, इंटर्नशिप होगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर हम किसी से इनिशिएशन लेने वाले हैं, अग्नि को साक्षी मान के व्रत लेने वाले हैं कि आजीवन इन नियमों का पालन करेंगे, तो थोड़ा तो इंतज़ार करना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूँ, तब जाके जो है उसको उस व्रत को या उस इसको लेना चाहिए, इनिशिएशन के वॉज को लेना चाहिए। या सब भगवान की, जैसे हमने देखा ना योजनाएं, भगवान की अपनी योजना होती है, हमें विश्वास रखना चाहिए, भगवान का अपना प्लान होता है, ही हैज़ ए प्लान फॉर यू। भगवान केवल अर्जुन की नहीं, हमारी सबकी लाइफ प्लान करते हैं, भगवान का ज़रूर आपके लिए भी कोई प्लान है। पेशेंस रखनी है, कभी कभी एट दैट मोमेंट हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट भगवान का अपना प्लान है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर कोई कारण है, शायद जल्दी आपकी भी इनिशिएशन हो जाएगी, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। तो आपका क्वेश्चन है कि 54 डेज में क्या था सिचुएशन, खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी, नहा धो रहे थे कि नहीं, वहाँ पे टेंट्स थे क्या, या फिर वो राजभवन जाके फिर नहा धो के वापस आते थे, तो क्या होता था सिचुएशन। तो अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वे राजा थे तो शायद वहीं कोई अरेंजमेंट्स की होगी जहाँ पे वे, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भी वहाँ पे टेंट्स वगैरह काफ़ी बने हुए थे, तो ज़रूर वहीं कोई व्यवस्था होगी जहाँ पे वे फ्रेश होके फिर से जो है एवरीडे सुनने के लिए आते थे। मुझे आपका प्रश्न ये समझ में आया कि आप कह रहे हैं कि भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि भगवान से कुछ मत मांगिए, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है कोई चीज़ तो आप मांग लीजिए, अगर आपकी भक्ति में वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। सो द होल पॉइंट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ इज़ टू हैव ए सेल्फलेस रिलेशनशिप विद कृष्णा, बट बिफोर वी हैव ए सेल्फलेस रिलेशनशिप विद कृष्णा वी शुड हैव सम रिलेशनशिप विद कृष्णा। मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ में निस्वार्थ संबंध हो, लेकिन निस्वार्थ संबंध होने से पहले संबंध तो होना चाहिए, हम प्योर डिवोटी बने ये हमारे जीवन का गोल है, लेकिन प्योर डिवोटी बनने से पहले डिवोटी तो बनना पड़ेगा। तो जीवन का गोल तो यही है कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन उस स्टेज में पहुंचने के लिए अगर अभी कुछ मांगना पड़ रहा है सो दैट हमारी भक्ति आगे चले, तो मांग लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मांगने से मेरी भक्ति ठीक से आगे बढ़ेगी तो इसको मांग लीजिए, तो फिर आपकी जब भक्ति आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, फिर आप ऐसे सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे आप भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। तो बिफोर बिकमिंग ए प्योर डिवोटी वी नीड टू बिकम ए डिवोटी।
तो अगर हम डिवोटी नहीं बन पा रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब कर रही है या फिज़िकली हमारी सिचुएशन ऐसे तरीके से हमें डिस्टर्ब कर रही है कि हम एक माला भी कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? उसके बदले मांग लो लेकिन 16 माला कंप्लीट कर लो। तो ये है इस चीज़ का सोल्यूशन। अगर भक्ति में डिस्टर्ब हो रहा है तो मांग लो, बट अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि एक दिन जैसे वी डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा, उस लेवल पे हम पहुँचे। राइट या आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जब हम नाम जप करते हैं तो सब कुछ पवित्र हो जाता है हमारे आसपास, तो क्या शुद्ध भक्तों का नाम लेने से ही पवित्र होता है कि अगर नए भक्त लेते हैं तो भी पवित्र होता है? अब ऐसा है, जब आग जलती है तो अगर छोटा बच्चा हाथ डालता है तो भी हाथ जल जाता है, कोई बूढ़ा आदमी डालता है तो भी हाथ जल जाता है। आग ये नहीं सोचता है कि ये छोटा बच्चा है ना, इसको पता नहीं है इसलिए मैं इसका हाथ नहीं जलाऊंगा, ये जो बड़ा है उसका हाथ जला दूंगा, ऐसा नहीं है। आग में कोई भी हाथ डाले हाथ तो जल जाता है। उस तरह से जो ये नाम है वो सब कुछ शुद्ध करता है। तो नाम का ये नहीं है कि ये नया भक्त है तो मैं नहीं होऊंगा, ये पुराना भक्त है, तो भगवान का नाम लेने से सब कुछ शुद्ध होता है। आप कहेंगे लेकिन नए भक्त तो कॉन्सेंट्रेट करके नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो इतना भाव से नहीं ले रहे हैं, वो तो शुद्धता से नहीं ले रहे हैं। हाँ हो सकता है उसके भाव नहीं है, लेकिन उसके भाव जैसे भी हो नाम तो अपना काम करता ही है। नाम को काम करने से कोई रोक नहीं सकता। उसका मतलब अगर कोई अपराध के साथ भी नाम लेता हो या कोई शुद्ध नाम ना भी लेता हो तो भी नाम तो अपना काम करेगा, लेकिन हाँ नाम ने जो काम किया उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नाम ले रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है आपका जो ये नाम जो ले रहे हो उसकी सुकृति या उसका जो पुण्य है। ओनली थिंग इज़ क्योंकि आप नाम अपराध के साथ ले रहे हो इसलिए आपको चेकबुक नहीं मिलेगी विड्रॉ करने के लिए, लेकिन डिपॉजिट तो हो रहा है, दैट्स इट। और जब आप शुद्ध नाम लेने लगोगे तब आपको चेकबुक मिल जाएगी, फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो उसके जो बेनिफिट्स है, लेकिन बेनिफिट तो होगा वेदर आप जैसे भागवत में है ना, वो अजामिल का वृत्तांत में है ना, वो संकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघाहरम विदु। संकेत्यम ऐसी नाम बोल दो भगवान का, किसी को बोल रहे हो कि भाई ये राम गली है श्याम गली है, ऐसा आपने किसी से कह दिया तो भी भगवान का नाम लिया काउंट हो जाता है। संकेत्यम पारिहास्यम मजाक से कह दिया ये देखो आ गए हरे कृष्ण हरे राम वाले। संकेत्यम पारिहास्यम स्थोभम हेलनम अरे लग गया हरे कृष्णा लग गया, ओ कृष्णा लग गया मुझे हाथ में, तो ऐसे बस मुँह से निकल गया ओ कृष्णा तो भी काउंटेड हो गया, मजाक से भी काउंटेड हो गया। ऐसे ही आपने कोई सिनेमा का गाना सुन लिया उसमें हरे कृष्णा हरे राम था या किसी कोई भाव नहीं है बस ऐसे ही कोई गा रहा था ट्यून अच्छा लगा तो गा लिया, कैसे भी करो अगर भगवान का नाम लिया है तो उसका फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अशेष अघा हरम विदु, अशेष माने अनलिमिटेड, अघा माने पाप, हरम माने ले लेता है, विदु माने ये पंडितों का कहना है अशेष अघा हरम विदु। वैकुंठ नाम ग्रहणम, जो भगवान का नाम लेता है भूल से ले गलती से ले मजाक से ले, किसी का मजाक उड़ाने के लिए ले, सोते हुए ले जागते हुए ले भूल से ले, नाम का अफेक्ट तो होता ही है। जस्ट आंसर इट इन वन लाइन, डेफिनेटली पृथु महाराज इज एन इंकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। जैसे भगवान के इंकारनेशन भी अलग अलग इंकारनेशन होते हैं, लीला अवतार है, गुना अवतार है, युग अवतार है, शक्तावेश अवतार है, कुछ पार्शल एक्सपेंशंस होते हैं। इनफैक्ट इसका एक बहुत सुंदर आर्टिकल आपको मिलेगा। मैं ना आप इस पार्थसारथी फाउंडेशन से अगर कनेक्टेड है तो मैं इस आर्टिकल का लिंक भेज सकती हूँ प्रभु जी को। तो ठीक है, तो मैं ना लिंक भेजूंगी इस आर्टिकल का, तो आप पढ़िए कैसे कैसे अलग अलग भगवान के इंकारनेशंस होते हैं। सो
एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल. जैसे चैतन्य महाप्रभु भी भगवान खुद कृष्ण है बट भक्त अवतार में आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, उस तरह से पृथु महाराज भी जो है हमें कुछ उनसे लेसन्स लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए. तो या ही इज ऑल्सो ए पार्शल एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड. नारद मुनि भी तो भगवान के शक्तावेश अवतार है, व्यासदेव भी तो भगवान के अवतार है. तो उस तरह से एंड एवरीबडी ऑफ अस ऑल्सो आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. तो या जस्ट टू टीच, समटाइम्स लॉर्ड टीचेज बाई हिमसेल्फ, यू नो, taking incarnation and then giving us some lessons which we need to learn from that particular incarnation. So just as Prithu Maharaj, he just developed everything, and how nicely by this Indra's example he taught us of tolerance and how to, you know, let go. So Sarasi, yes, he is Lord. At the same time, he's also, you know, teaching us how to live a proper life, you know, proper Vaishnava life. ओके 9:15 कट यहाँ पे कंप्लीट करें. नो नो नो, देर इज़ नो इनकन्वीनियंस. ओके क्लोज इट हियर. थैंक यू सो मच. माय हम्बल ओबीसेंसेस टू एवरीबडी. सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा Krishna, Krishna, Krishna lage, sab Krishna, Krishna.